आनंद प्रियाद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 सब ताली बजाते हुए बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण नीताई गौरंग जय नीताई गौरंग नीताई गौरंग रास्ता छोड़ने बैठे नीताई गौरंग जय नीताई गौरंग नीताई 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 गौरंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे आगे बढ़ो हरे कृष्ण hari 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 ram hari ram idhar bolo hari ram hari hari bolo gate ko khol de idhar baitha aa hey idhar tu aa na hari krishna 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 hari hari bolo hari ram 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 hari hari bolo hari ram 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 hari 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 krishna 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 hari hari हरे कृष्ण ए तुम्हें प्रहलाद कथा सुनी पारे बैठी प्रथम सुना सुना कोशिश करो खड़े हो जाओ लगाओ छिड़ा हुआ गले में लटका दो गले में लटका उसको गले में लटका दो
खाली मैं पंडित हूँ। बैठना तो बैठ जाओ। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये श्रद्धालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाये प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायणाय इति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरा परमानंदतम गुरुपाद भद्वम विष्णुपाद अष्टोत शास्त्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिल श्रीधर गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में आनंद कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। उनकी अहित कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित श्री ओम विष्णुपाद अष्टोत श्री भक्तिवेदांत शिल सिद्धांति महाराज जय श्री श्रीपाल संजय प्रभु अनंतकुटी वैष्णव इंदर रूपनो गुरुवर वर्ग जुगाचार्य नित्याल नित्यला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्री श्रीमद भक्तिवेदांशील नारायण गोस्वामी महाराज शिक्षा गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्रीम भक्तिवेदांशील बोधायन महाराज अनंतकुटी वैष्णव वृंद सीर्थ गुरुभ्रतविंद स्वीचरण वर्धन विजेता दंड प्रणाम स्वीकार हो। तुशील गुरु महाराज ने आज्ञा दिया है कि श्री प्रहलाद महाराज के चरित्र में कुछ बोलने के लिए, तो एक बात की स्मरण आ रहे, तो ये जो प्रहलाद महाराज की जो चरित्र है ये भागवत का सप्तम स्कंद में विशेष रूप में ये वर्णन है। तो भागवत की विशेष रूप में 10 लक्षण बताया गया, तो ये जो सप्तम स्कंद है इसका ये लक्षण की उत्ति, उत्ति मतलब क्या, वासना। और ये जो वासना ही दो प्रकार की है, कैसा ना उत्ती च वासना प्रोक्तम तत्त कर्मानुसारित शुभम च अशुभम च। एक तो शुभ वासना, एक है अशुभ वासना। शुभ वासना मतलब क्या, बल्कि ये जो शुभ वासना ये उत्पन्न होने की एक कारण है बल्कि वैष्णव की कृपा, वैष्णव तथा साधु की कृपा से ये शुभ वासना जीव के अंदर जागृत होता है, उत्पन्न होता है। विशेष रूप में दो शिष्य की बात आता है, एक तो शिल रामचंद्र कविराज रामचंद्र पुरी और ईश्वर गुरुपाद। तो जब ये बड़ा विरहित होके कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन ऐसे विरह व्याकुलित होकर रहते, उनका विरह में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहा था, तो उस समय ये क्या किए ना उनको क्या करें ना ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे। एक तो गुरु है, गुरु को भी शिष्य होकर क्या कर रहे ना उपदेश दे रहे। तो शिल नारद मुनि बड़ा ही प्रसन्न हो जाते हैं, बोले क्यों, बोले ये जो प्रश्न किए है इसमें निश्चित रूप में भगवान की बात तो आ गया ही आ गया, मगर भक्त की बात भी बात भी आ गया। कौन सा भक्त, बोले कि प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज अत्यंत बाल्य काल से ही क्या किए हैं ना ये भगवान की स्मरण और भजन इत्यादि में प्रवृत्त हुए, बल्कि केवल ही केवल प्रवृत्त नहीं हुए, अपने सारे के सारे जो सहपाठी थे उनको भी इसी प्रकार ये क्या किए ना उन भगवत भजन में उनको प्रवृत्त कराए। यद्यपि असुर कुल में ही उत्पन्न हुए थे फिर भी वो क्या किए ना सबको इसी भजन क्रिया में नियुक्त किया। तो विशेष रूप में जो प्रहलाद महाराज जो शिक्षा है वह बड़ा ही जानने सुनने की विषय, तो इतना लंबा ना करते केवल वही तीन जो श्लोक है श्री स्वामी महाराज इसको बड़ा अद्भुत रूप में इसका वर्णन करते थे। तो जब श्री प्रहलाद महाराज ने गुरुगृह में विद्या अध्ययन कर रहे थे तो पहला बार क्या शिक्षा ग्रहण किए है इस चीज को जानने के लिए हिरण्यकश्यप ने क्या किया ना उनको बुलाया। तो जब संड अमर के साथ ये दोनों आए, ये जो प्रहलाद महाराज आए,
तो उनके माता कयाधु ने बड़ा प्रसन्न चित्त में उनका श्रृंगार किए और जाकर राजा दरबार में उपस्थित हुए। तभी हिरण्यकश्यप ने पुत्रों को देख के बड़ा प्रसन्न हुए और इतने साल जो जाके विद्या अध्ययन किया है, राजनीति का जो विद्या वो क्या है पूछने के लिए उनका मन में श्रद्धा उत्पन्न हुआ। तो इस कारण के लिए वो प्रश्न कर रहे हैं कि बताओ आज तक जो अच्छे तुमको जो अच्छा लगा वही बात को क्या तुम्हें अच्छा लगा वही बात ही बताओ। तो हम प्रश्न आते बोले सबसे अच्छे क्या लगा, ऐसा क्यों प्रश्न किए, बोले कि छोटा है बालक है, अभी अगर किसी स्पेशल चीज में उनको प्रश्न करूंगा तो हो सकता है क्या इन्हें डर जाएगा, तो इसीलिए ये पूछे क्या कि कौन सा चीज तुम्हें अच्छा लगा वही बात बताओ। तो श्रील प्रहलाद महाराज ने बड़े अच्छे से बताते हैं कि तत् साधु मन्ने असुरवर्ज देहिना सदा सम्मद विघ्नाध्य असत ग्रहात् हित्वा अंधक हित्वा आत्मकथम गृह अंधकोपम वनम गतोजत हरिमाश्रयत्। बोले कि हे असुरवर्ज्य देहिना, संबोधन कर रहे हैं कि हे असुर श्रेष्ठ, तो पहला जो हिरण्यकश्यप तो इतना श्रवण करे बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले क्यों, बोले कि ये पुत्र है क्या संबोधन कर सकता था, हे पिताश्री, मगर राजनीति विद्या शायद सही अच्छे से सीख लिया, क्या श्रेष्ठ मना मैं असुर श्रेष्ठ हूँ, तो इतने बड़े प्रसन्न हो गया तो बढ़िया विद्या बोलेगा। तो जब शुरू किए हे असुर वर्ज्य देहिना, असुर श्रेष्ठ बोलने की शुरू करिए, बोले कि मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ क्या ना सदा समृद्ध कि ये सारी की सारी लोग क्या कर रहे हैं अभी असत ग्रहात, ये सब किस में घुसे हुए है, बोले कि जो असत वस्तु में ही वास्तव में ये क्या अपने मन निवेश किए। असत मतलब क्या, दो चीज, एक तो सत वस्तु एक असत वस्तु, जगत में सत वस्तु तो केवल केवल भगवान ही हो सकते है और उनको छोड़ के और जितने सारी वस्तु है वो क्या है ना असत वस्तु है। तो यहाँ में जो गृह मंद कूपम ये जो संसार है किसके साथ उनको तुलना की, बोले अंधकूप, अंधकूप मतलब जैसे कि जंगल में क्या होता है ना जो कुआं होता है अगर उसको कोई यूज नहीं करे तो बीच बीच में क्या होता है सिर्फ पानी सूख जाता है और जंगल में होने के कारण उसमें इतना बड़ा बड़ा घास हो जाता है कि सारी सारी कुआं को ढक देता है। तो कब किसी के ऊपर तो ढका हुआ है घास के द्वारा और पता नहीं चलता ये कुआं है, किसी कारण अगर वहाँ कोई पड़ जाए तो उसमें क्या असुविधा होता है, एक तो कुआं है पानी नहीं है अंदर गिरा, अंदर गिरने के कारण किसी को पता नहीं चला कि इधर कोई पड़ा है इसलिए कोई उद्धार नहीं कर सकते हैं और बहुत दिन से पानी ना होने के कारण उसका अंदर सर्प भी है वो क्या करता है ना दन सकता है, तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकते है और फिर उद्धार फिर क्या है ना सारी सारी वन्य जंतु का आक्रमण की बहुत सारी आशंका है। तो इसलिए ये जो संसार को इसमें किसके साथ तुलना करे, बोले गृहमंद कुपम, बोले ये संसार कैसा है ऐसा ही अंध कुआं के जैसा है। तो इसमें ही जगह संसार में जो जो पड़े हैं तो ये लोग किस प्रकार पड़े हैं, बोले इस कारण में क्या कर रहे हैं ना ये हर समय अपने अपने विषय को भोग करने में व्यस्त है, भगवत वस्तु क्या है और इससे बढ़ के एक चीज है कि हम संसार में जो विषय भोग कर रहे हैं उससे आगे जाके भी कुछ वस्तु है जो आनंद प्राप्त होता है भगवान की सेवा इत्यादि करके और हमारा जो वास्तव स्वरूप है कि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये चीज को वो जान नहीं पाता, क्यों, क्योंकि वह आलोक ही नहीं आता। आलोक मतलब क्या, ज्ञान तो वही है कि वास्तव में दो चीज जानना पड़ेगा, द्वे विद्या व्यतीत पराचो अपराचो, दो विद्या को जानना पड़ेगा, परा विद्या को और अपरा विद्या को। तो अपरा विद्या क्या है, साधारणतः हम परा विद्या मतलब श्रेष्ठ विद्या मानते हैं और अपरा विद्या मतलब जो निकृष्ट विद्या, तो उस तरह बोले परा विद्या मतलब क्या, श्रेष्ठ विद्या मतलब क्या, बोले भगवत और भगवत संबंधित इतनी सारी विद्या वो ही परा विद्या है, और संसार में गुरु अंधकूप में जो पड़ा है वो उनको जानने के लिए प्रचेष्टा ही नहीं करता है, क्योंकि एक तो खुद तरह कोई कुएं में पड़ा है तो वो निकलने की क्या उपाय है, बल्कि अगर कोई उसे आगे बाहर उठाए, बोले वो बाहर जो आएगा वो अकेला अगर चाहेगा तो उसको उठा नहीं पाएगा, उसको भी प्रचेष्टा करना पड़ेगा, किस प्रकार वो अगर किस प्रकार प्रयत्न कर रहा है ऊपर वाला उसको उठाने के लिए तो उसको भी रस्सी या और कुछ जो माध्यम है तो उसको ये क्या जब पकड़ के रखना पड़ेगा इसके द्वारा ही उसका उद्धार होगा। मगर साधु गुरु वैष्णव लोग तो हमें कृपा करने के लिए क्या करते हैं
ना सारी सारी प्रयत्न करते हैं, मगर हमारी तरफ से क्या कुछ भी प्रयत्न नहीं होता है। तो इसलिए जो प्रचेष्टा है और ये दो तरह से होने से ही क्या होगा ना, कुछ सफलता प्राप्त होगा, नहीं अन्यथा हम कोई उपाय नहीं। चाहे वो जो ऊपर से निकालेंगे उनकी भी प्रचेष्टा और जो गिरा पड़ा हुआ है उसकी भी प्रचेष्टा। तो ये दोनों के होने के बाद ही क्या होगा ना, किसका उद्धार हो सकता है संसार चक्र से। तो इसलिए होता है कि आप लोग क्या ना इसे गृह मंदकूप में पड़े हो, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ पिताश्री क्या ना वनम गत हरिमाश्रय वनम चले वन को चले जाओ और क्या करो ना हरि भगवान का आश्रय ग्रहण करो। तो सर हिरण्यकशिपु के बाद जब श्रवण किया तो उनका क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, क्यों? बल्कि छोटा सा बालक है, शायद ये जो बोल रहा है उसका अर्थ क्या उसको पता नहीं। यद्यपि विष्णु मेरा बैरी है, शत्रु है, तो ये शायद किसी से सुन लिया जिस कारण के लिए सब बोल रहा है, तो वास्तव में ये उसका अर्थ पता नहीं है जिस कारण के लिए ये ऐसा बोल दिया। तो संड अमर को बुलाया और अच्छे से डांट लगा के बोल रहा है कि तुम लोग इसको किस कारण के लिए कि क्या क्या शिक्षा प्रदान किए हो, ये तो मेरा शत्रु के ही नाम बोल रहा है। तो संड अमर को तो बड़ा ये आश्चर्यचकित तो हो रही, बोले कि ऐसा विद्या तो हम कभी इस गुरुग्रह में बताया ही नहीं, फिर भी ऐसा ऐसा ये चीज़ कहाँ से सीख लिया। तो फिर हिरण्यकश्यप ने उनको एक चांस दिया, बोले कि ठीक है उसको अभी अच्छे से क्या करो ना ठीक ठीक रूप में शिक्षा प्रदान करो। फिर जब दोबारा ये क्या किए ना आए कुछ दिन के बाद, फिर ये उनको प्रश्न करते हैं कि बताओ अभी क्या सीखे हो, क्या उत्तम विद्या है बताओ। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने बड़े अच्छे से ये बात बताए, नवदा भक्ति के बाद श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। हरे कृष्ण। रूम का नंबर कितना है? ज्ञान तेरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रह्लादेश जय पद्म मुखा पद्म बृंगा नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायने हिरण्यकश्यपो वक्षः शिलातंकानखालये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। दो मिनट कुछ बोलूंगा फिर चला जाऊंगा। दो मिनट नहीं दो घंटा नहीं ऐसा कोई होगा वो नहीं, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा मेरे को, अभी बैठे बैठे ही ऐसा लग रहा है यहाँ पर। आज हम लोग श्री नवदीप धाम परिक्रमा करते करते अनेक स्थानों पर हम लोग दर्शन करने गए और उसी में श्री नरसिंहपल्ली में वहाँ पर कथा का प्रहलाद जी की महिमा जो भागवत जी में वर्णन हुआ अभी अभी हम लोग सुन रहे थे और प्रभु बतला रहे। भागवत जी के 10 लक्षण, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उति मनवंत्र ईशनु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, सप्तम स्कंद जो उति उसका वर्णन किया गया, श्री नरसिंह भगवान की कथा का वर्णन किया। भागवत जी संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय।
संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के जो मर्म है, जो अर्थ है, वो बिना आचार्यों की कृपा से समझना कठिन ही नहीं असंभव है। हमारे श्री विष्णु चक्रवी ठाकुर जी ने भागवत जी की टीका का वर्णन किया और उनसे पूर्व महाप्रभु जी से भी पहले एक श्रीधर स्वामी पाद हुए, उन्होंने भागवत जी की टीका का वर्णन किया, टीकाओं को लिखा, जिनके संबंध में महाप्रभु जी ने कहा स्वामी के जना माने से वैश्य सम, जो श्रीधर स्वामी को ना माने वो वैश्य के समान। ये बात किस लिए उठा रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी की जो आज उसके आंतरिक जो अर्थ हमको प्राप्त हो रहे हैं वो नरसिंह भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं। बोले वो कैसे, अहम वेति शुक वेति व्यास वेति न वेति व श्रीधर सकलम वेति नरसिंह प्रसादता। श्री श्रीधर स्वामी पाद नरसिंह भगवान की कृपा से उनके आशीर्वाद से उन्होंने भागवत जी की टीकाओं को लिखा, इसलिए अभी काफी कुछ तो वो बोल दिए, अनेक बातें उन्होंने बतला दी। प्रहलाद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कौमार आचर प्राज्ञो धर्म भागवतानि दुर्लभ मनुष्य जन्म तदप्यनु ध्रुव अर्थदम। कह रहे हैं कि कौमार काल से अर्थात 5 वर्ष की आयु से ही भक्ति आरंभ करनी चाहिए। बोलते वो क्यों, प्रहलाद जी ये बात किसको कह रहे हैं? प्रहलाद जी ने कुछ बातें हिरण्यकशिपु को कही और प्रहलाद जी ने कुछ बातें अपने मित्रों को कही। हिरण्यकशिपु को तो अभी बतला रहे थे, तत् साधु मन्य सुरवर देहिनम सदस मुग्ध दियम असद गृहात हित आत्मपातम गृह अंधकूपम वनम गतम यद हरिमाश्रित। कि क्यों आप इस प्रकार से जो गृह मेदी की तरह अंधकूप में बैठे हो, ये बात जो प्रहलाद जी ने कही वो ग्रस्तों के लिए नहीं कही, गृह मेदियों के लिए कही है। ग्रस्त और गृह मेदी में भेद है। ग्रस्त वह होते हैं जो विवाह करके घर इत्यादि करके संतान करके भगवान के भजन में अपना समय व्यतीत करते हैं, परंतु गृह मेदी वे जिनका लक्ष्य एकमात्र अपनी भोग अपनी इंद्रिय तृप्ति ही केंद्रित है बस। तो उनका कैसा है, गृह मेदियों के लिए कहा अंधकूपम। ये कुछ बातें प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु से कही और फिर जब नवविधा भक्ति की बात कही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवविधा भक्ति के संबंध में आप लोगों ने श्रवण किया होगा। बोलते हैं भक्ति के 64 प्रकार के अंग हैं, रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया, उसमें फिर 9 भक्ति के अंग मुख्य बतलाए गए, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति भजन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। बोलते भजन में सबसे श्रेष्ठ है नवविधा भक्ति और श्रील भारती महाराज जी बतलाते थे इसी श्लोक को वर्णन करते हुए धोरे महाशक्ति, ये महाशक्ति रखती है नवविधा भक्ति। श्रवण करना कीर्तन करना स्मरण करना इत्यादि। लेकिन एक बात उन्होंने कही, इति पुंसाम अर्पिता विष्णु भक्ति शनव लक्षणा। ये नवलक्षणा भक्ति जो बताई नवविधा भक्ति जो महाशक्ति रखती है, महाशक्ति किस वस्तु को देने के लिए रखती है, वो थे कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। लेकिन इति पुंसाम अर्पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा, ये जो नवविधा भक्ति का याजन कैसे किया जाएगा, श्रील गुरुदेव कहते हैं पहले समर्पण करके
फिर इसका याजन किया जाएगा, ना कि पहले ये करके फिर समर्पण किया जाएगा। पहले किसको समर्पण? बोलते पहले गुरुदेव को, फिर भगवान को समर्पण होके, तत्पश्चात नवविधा भक्ति का याजन करने से उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन संसार के व्यक्ति पहले नवविधा भक्ति का याजन करें और फिर सोचते हैं इसके बाद समर्पण होगा। अर्पिता विष्णु भक्ति से नवक्षणा, पहले अर्पण करना पड़ेगा तभी श्रवण कीर्तन स्मरण। तो ये कुछ बातें हिरण्यकशिपु को गई, जिसको सुनकर हिरण्यकशिपु बिगड़ गया और प्रहलाद जी को उठाकर पटक दिया और कहा अपने सिपाहियों से जाकर इनको शासन करो इत्यादि। एक बात पूछी गई प्रहलाद महाराज जी से। क्या बात पूछी गई? किसने? हाँ, संदमरकर ने पूछी, जो उनको पढ़ाते थे, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? किसने तुमको ये सिखाया? मैंने, हमने तो ये पाठ पढ़ाया नहीं। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, यथा भ्रमिति ब्राह्मण स्वयं अकर्ष सन्निधो, चक्र पानी इच्छा, बुद्धि काम नहीं कर रही अभी। हाल बोलते जैसे एक चुंबक, एक लोहा चुंबक की ओर अपने आप जाता है, ऐसे किसी के सिखाने से नहीं, वह जो चक्र पानी है भगवान, उनके प्रति ये बुद्धि स्वाभाविक ही धावित होती है। तथम भेदेति चेत चक्रपान यदिच्छय, वह चक्रपानी भगवान के माध्यम से। इसलिए प्रहलाद जी ने अब सुयोग पाकर अपने मित्रों को ये बात कही, और आरंभ भी कहां से किया, क्योंकि सारे मित्र उस समय छोटे छोटे 5 वर्ष के बालक। ये स्थान श्री नरसिंह भगवान का दक्षिण भारत में एक स्थान है अहोवलम, हम उसका दर्शन करने गए थे बहुत वर्ष पहले, मैं और मेरे साथ कुछ भक्त लोग थे। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को जो मारा और जिस स्तंभ से प्रकट हुए, अहोवलम चैतन्य चेतामृत में उसका वर्णन आया, कविराज गोस्वामी ने किया वर्णन। देवताओं ने नरसिंह भगवान का बल देखकर जोर से उच्चारण किया, अहोबलम अहोबलम, क्या बल है क्या बल है, इसलिए उस स्थान का नाम ही पड़ गया अहोबलम। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी जब वहां पर गए और उदंड नृत्य करने लगे, श्री नरसिंगा जय नरसिंगा जय जय नरसिंगा करके, तो संजय पुकार बोला नहीं जा रहा, कोई सीढ़ी नहीं, कुछ नहीं है, झाड़ियों को पकड़कर ऐसे ऊपर जाना होता है। और वहां पर ऊपर जहां पर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा था वो स्थान है, आ जाओ उधर जगह है, किसी जगह उधर से बैठ गया। और फिर उससे आगे जाकर वो स्तंभ जहाँ से भगवान प्रकट हुए, श्री नरसिंह भगवान जहाँ से प्रकट हुए वो स्तंभ भी वहाँ पर उसका दर्शन होता है, मगर है अभी भी, अभी भी, अभी तो मतलब वो वाला नहीं है, वो बना दिया गया, लेकिन वहाँ पर पहुँचना तो बस अब ये सोच के जाओ कि मैं हूँ या नहीं हूँ, मतलब क्योंकि पहाड़ के चढ़ाई पर जाकर तो नरसिंह भगवान का मंदिर जहाँ उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा, फिर पढ़ाई पहाड़ से थोड़ा से नीचे जाना पड़ता है खाई की तरफ, एक बार आपका पैर फिसल गया तो सीधा नरसिंह लोक ही पहुँचोगे। हाँ, चढ़ाई ऐसे करनी पड़ती है और उतरना भी ऐसे पकड़ पकड़ के, झाड़ियों को पकड़ के उतरना पड़ता है, बहुत परिश्रम है, बहुत परिश्रम है। और वो स्तंभ तक तो वो देखने से ही भय लगता है, देखने से ही। तो वहाँ पर प्रहलाद महाराज जी की वो स्कूल भी है, अभी वो खंडर अवस्था में, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है प्रहलाद महाराज जी का वह स्कूल जहाँ पर वो पढ़ाते थे। तो उन्होंने सहयोग पाकर अपने मित्रों को कहा कि कोमार अर्थात 5 वर्ष की आयु से ही भक्ति भजन करना चाहिए, 5 वर्ष की आयु से। मित्रों ने पूछा, प्रहलाद 5 वर्ष की आयु से क्यों? हमने तो सोचा कि बड़े होंगे, मौज मस्ती करेंगे,
तब भजन करेंगे जब बूढ़ा हो जाएंगे। बोलते नहीं, कौमार आचेत प्राज्ञो धर्म भागवतान ही दुर्लभ मनुष्य जन्म। ये मनुष्य जन्म जो हमको प्राप्त हुआ ये दुर्लभ है, पर उसके साथ साथ तदप्यनु ध्रुवर्थनम, और ये कभी भी गिर जाएगा इसका कुछ ठीक नहीं है ये मनुष्य जन्म। अभी ले, ये कब गिर जाएगा पता नहीं। तो यहां से उनकी शिक्षा आरंभ हुई। प्रहलाद जी का मतलब ही क्या, बोलते हैं प्रकृष्ट रूपे ना हलाद, एक होता है आनंद और एक होता है विशेष आनंद। प्रहलाद जी एक विशेष आनंद में निमग्न रहते हैं, इसलिए कोई भय भी नहीं। कौन सा विशेष आनंद है, बोलते हैं भागवत धर्म का याजन करते हैं, भागवत धर्म का। प्रहलाद जी के गुरु शंदमर्क नहीं है, प्रहलाद जी के गुरु जी है नारद जी। कैसे दीक्षा हुई, बोलते माता के गर्भ में ही वहीं से दीक्षा हो गई। कैसी दीक्षा, बोलते हैं भागवत सुनने मात्र ही दीक्षा, भागवत धर्म के संबंध में श्रवण किया माता के गर्भ में ही। और भागवत धर्म के संबंध में कहा, श्रुति नो पठितो ध्यात आदृतो वान मोदित सद्य पुनाति सद्धर्मो देविश्व द्रोपी। भागवत धर्म को श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना, और कोई ये सब नहीं भी करता हो तो यदि मान सम्मान ही कर दे, आदर ही कर दे उसका जो ये सब करता है, देविश्व द्रोपी ही। सारे देवता सारे विश्व द्रोही हो जाएं, कुछ नहीं बिगड़ता। प्रहलाद महाराज इस बात में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हैं कि रक्षति इति विश्वासो गोपित्य वर्णन तथा, मेरे रक्षाकर्ता कौन है, बोलते मेरे भगवान है। पूर्ण रूप से इस बात पर प्रतिष्ठित हैं, शरणागति का एक लक्षण है पूर्ण शरणागत। ये सब बात कही, अंदर में अभी जागा है इस तरफ में जा रहा हूं, आप लोग सब अंदर आ जाओ, उनको थोड़ा इधर थोड़ा आगे और आप आगे आगे आ जाओ सब लोग, आप लोग थोड़ी से आगे आगे आ जाओ सब, थोड़ा धीरे धीरे सर के जाओ, थोड़ी 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 आ जा, सटक सटक करके बैठ जा। पुंसम वर्ष आयु तुम, और क्या बता रहे हैं, हमारे हिंदी पता सुना बिल्कुल। हाँ, और क्या क्या बोले, बोलो। तो ये जीवन कैसा है, बोलते हैं लब्धवा सुदुर्लभ इदम बहु संबंधवते कमल दल जल जीवन टलमल। एक बूंद कमल के पत्ते पर हो और कब हवा का झोंका आए और वह बूंद गिर जाए, इसलिए इस जीवन को दुर्लभ बताया। दो ही वस्तु दुर्लभ बताई भागवत जी में, भगवान दुर्लभ नहीं बताए, क्या बताया, दुर्लभ मनुष्यम देहम देहिनांशम भंगुर तत्रापि दुर्लभ मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोलते हैं एक तो ये शरीर दुर्लभ बताया और दूसरा वैकुंठ प्रिय जो भगवान के जो परिकर हैं, जो भक्त हैं, वह दुर्लभ बताए, वहां पर भगवान दुर्लभ नहीं बताए। बोलते इसका यदि संयोग हो जाए, संयोग हो जाए, सॉरी, जो इसका संयोग हो जाए, किसका, ये दुर्लभ दो जो वस्तु है इसका यदि संयोग हो जाए तो भगवान तो सुलभ है। क्या दुर्लभ, एक तो मनुष्य शरीर जो ऐसे प्राप्त नहीं होता, हम आपको प्राप्त हो गया, भगवान का विशेष अवदान है, ये हम पर विशेष कृपा है, हम लोगों को ये मनुष्य से प्राप्त हुआ, लेकिन किसके लिए प्राप्त हुआ, बोलते भोग करने के लिए नहीं, भोग करने के लिए नहीं। क्या हुआ है ऋषभ जी बोल रहे हैं, जो उधर क्या बोल रहे हैं, ना हम देव देव भाजन निर्लोके कष्टम कामम अर्थम विडभुजम। ये पुत्रो ये शरीर भगवान ने सूकर और कुकर की तरह, सुअर और कुत्ते की तरह भोग करने के लिए नहीं दिया, तो पिताजी किसके लिए दिया, स्वपुत्रों ने पूछा, उते तपो दिव्यम पुत्र कहा। ये भगवान ने जो शरीर दिया है ये भजन के लिए दिया है, ऐसे नहीं दिया, इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक हमको एक अवसर प्राप्त हुआ है जिससे हम भगवान का सानिध्य उनकी सेवा कर पाएंगे, तो ये दुर्लभ है। और दूसरा भगवान का दर्शन तो सुलभ है सर्वत्र,
इधर इधर आ जाओ इस तरफ। लेकिन जो उनके भक्त हैं उनका दर्शन बहुत दुर्लभ है और उनके मुख मिश्रित जो हरि कथा वह भी बड़ी दुर्लभ है। परंतु इन दोनों दुर्लभ वस्तुओं का यदि संयोग हो जाए तो वो जो भगवान जो दुर्लभ हैं वह सुलभ हो जाए। सुलभ तो हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं, लेकिन अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। उन्हीं भगवान को उनकी बड़ी चर्चा, उनकी सेवा प्राप्ति मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्षण लक्ष्य है। इस प्रकार प्रहलाद जी अपने छात्रों को अपने इस तरह में स्थान दे, अंदर में जाकर आ जाओ। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। और भरा पड़ा है इधर भी देखा। हां लो बोल इधर जगह इधर आ जाओ, अंदर में आ जाओ। एक मिनट की तरह कर दो। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद ताली बजाए। गोविंद जय जय गोपाल सब कुछ छोड़ छाड़ कर दी, फिर मंदिर में आ गए और इनका परिवार उनको पता ही नहीं चला कि गया था। इनके परिवार के लोग सोच रहे थे मेरे बेटा पीएचडी कर रहा है, लेकिन ये वास्तव रूप में सही पीएचडी करने के लिए आए थे। वास्तव रूप में क्योंकि गुरु जी के चरण में आ गए, गुरु जी के चरण में आकर के उन्होंने भक्ति सीखना शुरू कर दिया। इसलिए सचमुच से जो पीएचडी है ना भगवान की भक्ति है। अभी सुन रहे थे ना प्रहलाद महाराज को, जब उनको पिताजी ने पूछा बताओ तो जितना विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या किया, प्रहलाद ने क्या बताया?
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेतन वलक्षणा क्रियते भगवत अध्याय तन्मन्ने धीतमुतम। प्रहलाद यही उत्तर देता है, बोले पिताजी जिसने जीवन में कृष्ण भक्ति रूपी विद्या को पढ़ लिया ना, उसने जीवन में सब कुछ पढ़ लिया। अगर सारा दुनिया को तुमने पढ़ लिया लेकिन तुमने कृष्ण भक्ति विद्या को तुमने पढ़ी नहीं, सब विद्या बेकार है। इसलिए विद्या मतलब क्या है? सीख मतलब होता है जानना। बोले किसको जानना है? बोले भगवान को जानना। जीवन में जो भगवान को जान लिया समझो सब कुछ विद्या पढ़ा हुआ। इसलिए महाप्रभु की लीला में जो केशव का सिमित था, सरस्वती जी को स्वयं सरस्वती जी के जुआ में बैठ कर बात करते थे। बोले पृथ्वी में तुमको कोई परास्त नहीं कर सकते थे लेकिन महाप्रभु उसको बात बात में परास्त कर दिया। उसको इतना दुख लगा तथा विद्वान से अगर परास्त होता तो समझता भैया कितने बड़े विद्वान। ये छोटा बच्चा 15-16 साल का बच्चा और उसने बात बात में परास्त कर दिया। तब उन्होंने सरस्वती की लगता है सरस्वती मेरे ऊपर नाराज हो गई। जब सरस्वती के मंत्र जब मेरे सो गया ना, देखो सरस्वती स्वयं प्रकट हुई। बोले बेटा आज तेरे ऊपर मेरी सही कृपा हुई। मैं जिसको सही सही कृपा करती हूँ उसको लेकर के भगवान को पहुंचा देती हूँ, लेकिन जिसको मैं सही कृपा नहीं करता हूँ ना संसार में थोड़ा सा गड्ढा बना देती हूँ। सरस्वती कहती है संसार चक्र में भटकाते रहा था, उसको पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर बना करके ये शरीर में वृथा अभिमान को दे करके संसार चक्र में उसको भटकाता रहा था, उसको घुमाता रहा था संसार में। इसलिए आज तेरे ऊपर में मेरी सही सही कृपा हो गई। विद्या का फल जो भगवत दर्शन तुम्हें आज ठाकुर का दर्शन जाओ उनकी चरण में शरणागत हो जाओ। कर जब महाप्रभु के पास में आए देखो भगवान क्या कहते हैं। बोले विद्या बढ़ के ना। बोले विद्या क्यों बढ़ते हैं? क्या पैसा कमाई करने के लिए? बोले नहीं, कृष्ण भक्ति जाने वाले भगवान को जानने के लिए। अच्छे यदि नहीं लो अगर विद्या पढ़ करके भगवान का भजन ही नहीं किया कभी विद्या की कर ली विद्या फिर कौन सा काम की? बोले देह छाड़िया चली ले जब ये शरीर छूट जाएगा ना ये विद्या बा पौरुष संग की छुई नहीं चले। ये सारी डिग्री बिग्री यही रह जाएगी। और लेते समय बोले राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोले करते हैं सब कोई बात जुटा है। बोलते है ना जितने तुमने भगवान का नाम लिया तेरे साथ में वही जा रहा है। इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया है ना एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रहे। इसलिए हमारे विजय प्रभु जी सचमुच से उन्होंने जो पीएचडी कर रहे थे अमेरिका में पीएचडी प्रभु जी कर रहे थे सचमुच से उन्होंने सही विद्या को पढ़े और गुरु जी के चरण में आकर गुरु जी की बड़ी सेवा उन्होंने पूरा जी जान लगा करके ग्रंथ प्रकाशन करना हरि भक्ति प्रचार करना सारा दुनिया में प्रभु जी प्रचार करते हैं। अभी प्रभु जी कृपा करके हम लोगों के ऊपर भी थोड़ी सी कृपा करके प्रभु जी अपना वाणी पुष्पांजलि बरस रही। मैं तो महाराज जी ने जो भी कहा मैं इसके तो ना योग्य हूँ ना काबिल हूँ। बस मैं केवल जन्मांतरों में श्री गुरु महाराज जी के श्री गुरु महाराज जी के निजजनों के मैं दासानुदास सेवक बन सकूं यही मेरे जीवन की प्रार्थना है कामना भी है। महाराज जी ने कहा कि मैंने सेवा किया है किंतु मैं समझता हूं कि मैंने रंच मात्र भी सेवा नहीं किया है। जो कुछ भी किया ऐसा लग रहा है बस वो तो केवल स्वार्थ के लिए। तो इसीलिए मैं सबसे प्रार्थी हूँ विशेष करके पूजनीय श्री महाराज जीओं से सबसे कि वे कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखें कि किसी न किसी जन्म में मैं थोड़ी बहुत सेवा कर सकूं। अज्ञानति विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने कृष्णलीलाकथने सुदक्षमौदार्य माधुर्यगुणैश्च युक्तं
वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तुम शिरसा नमामि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शि गौर भक्त बिंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। सब लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। गुरु महाराज की जय। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। नरसिंह देव की जय। मैं सबसे पहले मैं अपने परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्यलाल प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में मैं अपने अनंत कोटि साष्टांग नमन प्रणाम समर्पित करते हुए उनके निकट कृपा भिक्षा मैं मांगता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूढ़ी रूपान गुरुवर्गों के चरणों में भी मैं बारंबार उनकी कृपा भिक्षा मांगता हूँ। तत्पश्चात इस सभा में उपस्थित परम पूज्य श्री श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, परम पूज्य भक्ति वेदांत श्री सिद्धांति महाराज जी, संजय प्रभु, सुंदर गोपाल प्रभु और सभी वैष्णवी माताएं बहनें सबके निकटों में मैं भी मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। हम लोग श्री गुरु महाराज जी के शताब्दी साल में गुरु महाराज जी की विशेष कृपा से वैष्णवों के विशेष करके पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी, साथ में न्यान्य जो तदंडीपाद गण है सबके नुगत्य में हम लोगों का यह परम ही सुंदर सौभाग्य लाभ हुआ है कि हम लोग श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा कर रहे हैं और दूसरा दिन भी सुंदर रूप से गुरु वैष्णवों की विशेष कृपा से सुंदर रूप से संपन्न हुआ। सुबह 10 बजे तक धूप भी नहीं रही, बिल्कुल बादल बादल सा रहा, ये विशेष कृपा ही रही। नरसिंहपल्ली के दिन सब समय कुछ न कुछ लीला होता रहता, सबको मालूम है। तो इसीलिए विशेष कृपा है गुरुदेव की, गौर नित्यानंद प्रभु की, नरसिंह देव की। सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी से जो हम लोग बार बार सुनते थे कथा, मैं देख रहा हूं कि कोई बहुत सारे नए लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहां आए। ये श्री नवद्वीप धाम, जो श्री नवद्वीप धाम के बारे में बोला गया है कि जैसा श्री वृंदावन धाम है ना, बिल्कुल वृंदावन धाम ही श्री नवद्वीप धाम है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ही जो हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग के 500 साल पहले श्री नवद्वीप धाम में प्रकाशित हुए, लीला किया, ठीक वैसे ही श्री वृंदावन धाम से बिल्कुल नॉन डिफरेंट ये श्री जो नवद्वीप धाम है, ये नवद्वीप धाम भी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला पुष्टि के लिए प्रकाशित हुआ है। तो इसीलिए श्री वृंदावन धाम और श्री नवद्वीप धाम में कोई भेद नहीं है, बल्कि श्री नवद्वीप धाम में श्री वृंदावन धाम है और श्री वृंदावन धाम में श्री नवद्वीप धाम है, दोनों जगह दोनों ही है, क्योंकि श्री कृष्ण और महाप्रभु में कोई भेद नहीं, कृष्ण ही महाप्रभु है। सबसे पहले सबके मन में ये तत्व को ठीक ठीक रूप से बिठा लें कि चैतन्य महाप्रभु कोई नया कोई भगवान नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है। राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, कृष्ण ही जो है श्री राधा जी के विशेष भाव, साथ में उनकी जो कांति यानी जो रंग है, दोनों को धारण करते हुए
एक भक्त के वेश में, चैतन्य महाप्रभु के वेश में राधा जी का कृष्ण के प्रति जिस प्रकार से प्रेम है, उस प्रेम को चकाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसमें डूबने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में पधारे। ये सबसे प्रमुख और मुख्य सिद्धांत है, क्योंकि जब तक हम ये सिद्धांतों को नहीं समझेंगे बाकी सब बातें समझ में नहीं आएगा। क्या चैतन्य महाप्रभु कौन है? जोर से बोलो। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है। जोर से बोलो, चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, वो कृष्ण ही है। राधा जी के भाव और कांति को लेकर के कृपा करके दरा धाम में श्री राधा जी के भावों का रसास्वादन के लिए पधारे हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु जो है स्वार्थी नहीं है कि केवल मैं ही खाऊंगा और किसी को दूंगा नहीं। चैतन्य महाप्रभु परम दयालु हैं, महा महावदान्य हैं कि उन्होंने कहा कि मैं खाऊंगा तो सही और सभी को खिलाऊंगा। तो इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जी ने बोला है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने जब घर संसार छोड़ करके पागलों की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन से लौट रहे थे तो श्री प्रयाग धाम में रुके हुए थे, वहां पर जब पहली बार मिले दूर से ही महाप्रभु को देखते हुए साष्टांग लेट गए, पूरा एकदम दंडवत प्रणाम किया। तब उस समय रूप गोस्वामी पाद जी ने ये बहुत ही मुख्य प्रमुख श्लोक उन्होंने कहा। ये श्लोक में रूप गोस्वामी पाद जी ने स्थापित किया कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही है। तब चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद जी को मना नहीं किया कि क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मैं भगवान नहीं हूं, ये बात उन्होंने नहीं कहा। बाकी सबको कहा, बाकी सब लोगों को उन्होंने मना किया, किंतु रूप गोस्वामी पाद जी को महाप्रभु ने मना नहीं किया। तो रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या कहा? महावदन्याय, चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर इस संसार में दयालु कोई नहीं है। क्यों? स्वयं तो वो भाव माधुर्य, वो प्रेम माधुर्य का उन्होंने आस्वादन किया, किंतु साथ साथ सारे जीव मात्र को उन्होंने उस प्रेम को बड़े ही फ्री में, बड़े ही बिना किसी नियम के, बस केवल केवल श्री नित्यानंद प्रभु के मतलब केवल जब देखते हैं श्रद्धा मूल्य प्रेम दे, केवल श्रद्धा देखते हैं, जो गोद्रुम दीप जो सुबह के समय में गए हुए थे हम लोग, वहां का ये प्रमुख कीर्तन है, श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने लिखा है, बड़ो सुकेर कबर गाय, बड़ो सुकेर कबर गाय। तो वो कीर्तन में कहते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु जी जो हैं केवल और केवल श्रद्धा देख करके, बस केवल श्रद्धा देखी कि विश्वास है कि हाँ ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, ये नवद्वीप धाम श्री वृंदावन धाम ही है, और वो वृंदावन और कृष्ण की महिमा को किसी विशेष कारण से या उस महिमा को प्रकाशित करने के लिए ये नवद्वीप धाम और चैतन्य महाप्रभु का ये जो लीला है, रूप है, प्रकाशित हुआ है, केवल इस बात पर विश्वास करने मात्र से ही हमको वो दुर्लभ कृष्ण प्रेम मिल सकता है। तो महाप्रभु जी जो हैं वे परम दयालु हैं, केवल श्रद्धा दे करके वो दुर्लभ प्रेम हमको दे देते हैं। दूसरी बात गुरुदेव समझाते थे कि श्री कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में चलो, श्री राधा जी के भाव माधुर्य या जो प्रेम है उस प्रेम को समझने के लिए वो रूप को धारण किया और सबको वो प्रेम दिया, किंतु ये छोड़ के और भी कुछ गहरा कुछ कारण। क्या कारण है? श्री कृष्ण ने जब श्री वृंदावन धाम में लीला किया और विशेष करके रासलीला की, और रासलीला के बीच में जब श्री कृष्ण ने सारी गोपियों को विशेष करके राधा जी को ये विशेष बात
कहने के लिए श्री भागवत का जो चूड़ांत जो बात है वो बात को कहने के लिए कृष्ण बाध्य हुए ना पारे हम निर्वध्य समझुदा, अर्थात जो आप लोगों का जो प्रेम है सेवा है उस प्रेम सेवा के बदला मैं ब्रह्मा जी जैसे जीवन आयु प्राप्त करके भी मैं वो ऋण का ऋण चुका नहीं सकता। तो इसलिए श्री कृष्ण जो हैं विचार किया, श्री कृष्ण लीला के समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने विचार किया कि ये ब्रजवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम है, विशेष करके गोपियों का और गोपियों में भी विशेष करके राधा जी का विशेष करके मेरे प्रति जो प्रेम है, मैं कैसे इस ऋण को मैं चुकाऊं। ठीक है मैं पूरा तो मैं चुका नहीं सकता, कम से कम थोड़ा तो चुका दूं। तो कृष्ण ने देखा कि इस कलयुग में इन ब्रजवासियों को, उनके प्रेम को, गोपियों को, राधा जी को कोई समझ नहीं पाता, ठीक से जान नहीं पाता। तो इसीलिए कृष्ण ने विचार किया कि मैं स्वयं भक्त का वेश लेते हुए इन ब्रजवासियों का और विशेष करके राधा जी के और इन गोपियों का जो प्रेम माधुर्य है, वैशिष्ट्य जो श्रेष्ठता जो है, उस श्रेष्ठता को मैं स्वयं ही इन सब की महिमा को प्रकाशित करूंगा। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षास्तक के रूप में बड़े ही सार संक्षेप किंतु सारे शास्त्र का सार के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया और बाकी जो काम जो था उन्होंने रूप गोस्वामी पाद जी को कहने के लिए कहा। तो इसीलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने स्पष्ट तरीके से बोला है कि श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो तो विशेष रूप से राधा जी की विशेष कृपा हमको चाहिए, किंतु राधा जी की विशेष कृपा जो है कहां से मिलेगा, जब तक चैतन्य महाप्रभु को पकड़ोगे नहीं तब तक राधा रानी की विशेष कृपा हमको मिल नहीं सकता। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने कहा है यथा यथा गौर पदारविंद विंदेत भक्तिम कृत पुनराशिम तदो तदो सरस्वती हृदकस्मात् राधा पदाम्बुज सुधाम्बुराशि। तो उन्होंने बड़े भावपूर्ण रीति से कहा है कि ये कैसा चमत्कार है, देखो कि जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में श्रद्धा निष्ठा रुचि भाव प्रेम हमने स्थापित किया और ठीक वैसे वैसे ही उतने ही परिमाण में बिना प्रयास के ही वो कहां जाके निकलता है, राधा जी के चरणों में वैसे ही प्रेम, वैसे ही मति, वैसे ही सेवा भावना जाके वहां पर लग जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है और हम यदि सीधा लगाने जाएंगे बहुत समय लग जाएगा और शायद लगेगा भी नहीं और ठीक से नहीं लगेगा जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो लगाना चाहते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हम श्री राधा कृष्ण को समझने लगेंगे तो ही हम ठीक ठीक रूप से श्री राधा जी को और गोपियों के प्रेम को, कृष्ण के प्रति सेवा भावना को, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके सब कुछ त्याग करके जिन्होंने श्री कृष्ण की सेवा की, उस बात को हम समझ सकेंगे, उस प्रेम को हम थोड़ा बहुत जो है जान सकेंगे। चैतन्य महाप्रभु के बिना और चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद जी के बिना, रघुनाथ गोस्वामी पाद जी के बिना हम ब्रजवासियों के प्रेम को और इन गोपियों के प्रेम को हम कदापि किसी भी समय ठीक ठीक रूप में बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही विशेष करके राधा कृष्ण के निकट जाना है और विशेष करके ब्रजधाम की प्रवेश भी है। तो इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने श्री नवद्वीप धाम शतकम में उन्होंने कहा है कि श्री नवद्वीप धाम की जो उपासना जो है वो वास्तव में श्री ब्रज धाम की ही उपासना है। तो कहा है कि
पारादितो नववनम व्रजकाननम ते नारादितो नववनम व्रजयेव हि दूरे पारादितो द्विजसुतम व्रजनागरस्ते नारादितो द्विजसुत नत्वेह कृष्ण। ये नवद्वीप धाम की हमने उपासना की तो श्री वृंदावन धाम समझो मिल गया, और जिसने ये नवद्वीप धाम की उपासना नहीं की, परिक्रमा और सेवा इत्यादि नहीं की, वो कदापि श्री वृंदावन धाम को प्राप्त कर नहीं सकता। और ठीक वैसे जो चैतन्य महाप्रभु को जिसने पकड़ा, वही वास्तव रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त किया। जिसने चैतन्य महाप्रभु को नहीं पकड़ा, वो श्री कृष्ण को कदापि प्राप्त नहीं किया। सार संक्षेप में श्री गुरु वर्ग जन, श्री गुरुदेव जो हैं, ये नवद्वीप धाम की और महाप्रभु की विशेष महिमा इस प्रकार से वो लोग कहते थे। और हम लोग जो हैं श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हुए दूसरे दिन हम लोग श्री गोद्रुम द्वीप गए, बहुत सारे स्थानों पर गए, किंतु मुख्य रूप से श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास हम सारे लोग गए। वर्तमान में ये पूरे विश्व में हमारा जो महाप्रभु के प्रचार हम जो देख रहे हैं, ये विश्व भर में प्रचार करने का जो मूल कारण जो है वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की कृपा के बिना हम आज यहाँ बैठ ही नहीं सकते। और जितने भी कीर्तन हैं और विशेष करके जितने भी ग्रंथ हैं, सब कुछ श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रकाशित किया। और साथ साथ जो उनका जीवन जो था, कैसा चमत्कार पूर्ण था, सब कुछ सब चीजों के लिए समय निकलता, घर गृहस्थी भी, नौकरी भी, और किंतु लाख नाम भी जापते थे और लगभग 100 से भी ज्यादा ग्रंथों को प्रकाशित किया, और इतने कीर्तन जो हम सारे कीर्तन गाते हैं केवल श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी और दूसरा श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी लगभग, है ना। तो इतने कीर्तन प्रचार नामहट, विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु की जो जन्मस्थली है, योगपीठ है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रकाशित किया। श्री नवद्वीप धाम, श्री मायापुर धाम का जो सेवा है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रवर्तित किया। और विशेष करके जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को जन्म दे के उनके माध्यम से जो उनके जो मनोभीष्ट को पूरे विश्व में महाप्रभु के दिव्य वाणी को प्रचार प्रसार उन्होंने कराया। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी के निकट हम लोग जो हैं चिरऋणी हैं। जितने मतलब जितने भी जो कीर्तन है, क्या भाव है उनमें, और विशेष करके गोस्वामियों के जितने ग्रंथ हैं संस्कृत में और बहुत ही क्लिष्ट भाषा में है, कठिन भाषा में, और कोई यदि चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना चाहता है यदि, और हम यदि कहेंगे कि जानना है तो तुमको पूरा जो छह संदर्भ जो है जीव गोस्वामी पाद जी का, वो जब तक नहीं देखोगे, समझ नहीं पाओगे, तो कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत ही सोच विचार करते हुए वो जान गए थे कि कलयुग के जो जीव हैं, ना तो उनके पास समय है, ना ही उनके पास धैर्य है, उनको तो सारा चीज जो है 5-10 मिनट में चाहिए बस। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कृपा करके यहां तक भी नॉवल जैसा चाहते हैं तो नॉवल भी उन्होंने लिख दिया, प्रेम प्रदीप नॉवल, पूरा स्टोरी जैसा है, पूरा एकदम स्टोरी के बीच में। और जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का सबसे मुख्य जो कृतित्व जो है वो है जैव धर्म, और उसमें जो है चैतन्य महाप्रभु के विहंगम दृष्टि से जितना जो सिद्धांत है, विचार है, जो कुछ भी है, सब कुछ उसमें उन्होंने दे दिया। किंतु मैं समझता हूं
कि कालक्रम से धीरे धीरे वो जैव धर्म भी समझ नहीं आ रहा है, उसको भी सहज करके शायद कोई महापुरुष महाप्रभु फिर भेजेंगे तो उस जैव धर्म की भी कोई बिल्कुल सहज सरल रूप में कोई लिखेगा शायद। तो नहीं अरे तो इसीलिए ये स्थिति है कि हमें जैव धर्म भी समझ में नहीं आता है। दशमूल शिक्षा जो भक्तिवर ठाकुर जी ने दिया है, गुरु महाराज जी कहते थे रूपा जी भी कि ये दशमूल शिक्षा को पढ़े बिना हम परमार्थ गौड़ीय वैष्णव राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं और उसमें स्थिर पूर्वक प्रतिष्ठित मतलब संभव ही नहीं। तो इसलिए दशमूल शिक्षा को ठीक ठीक रूप से पढ़ना समझना क्योंकि सबसे मुख्य और सबसे टफेस्ट चीज है ये दशमूल शिक्षा जो, और सारा सिद्धांत तो कुछ भक्तों ठाकुर जी ने प्रमेय और प्रमाण के रूप में सब कुछ सी में ही श्री भक्तों ठाकुर जी ने दे दिया। तो इसलिए हम लोग श्री भक्तों ठाकुर जी के निकट चिर ऋणी हैं, उनके निकट हम लोग कृपा प्रार्थी हैं कि वो यदि कृपा करके हमें चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये नवद्वीप धाम क्या है, यदि वो नहीं समझाएंगे हम आज ना तो बैठेंगे ना रुचि होगी ना समझ सकते हैं। ये नवद्वीप धाम परिक्रमा जो छोटा सा जो ग्रंथ है ये भी भक्तों ठाकुर जी ने प्रकाशित किया, हर एक बात जो भी लो आप लगभग सब कुछ भक्तों ठाकुर प्रकाशित किया। तो इसलिए श्री भक्तों ठाकुर जी हमारे इस प्रचार प्रसार या ये परंपरा में बिल्कुल केंद्र में है, बिल्कुल केंद्र में। इसलिए जब तक उनकी विशेष कृपा को हम समझेंगे नहीं हम कभी भी इस धारा में ना तो ममता के साथ हम लोग जुड़ सकेंगे और ना ही चैतन्य महाप्रभु के विशेष विचार को हम जान पाएंगे। श्री भक्तिनोद ठाकुर की नवदीप धाम की श्री गुरु महाराज की जय, तदीय शताब्दी महामहोत्सव साल की जय, गौर प्रेमानंदे। कथा के बाद बात कर लेते हमारे जी, कथा के बाद बात कर लेते। हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्री रूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी तिनामिने वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छय गोसाइन करी चरण वंदन जाहित विघ्ननाश अभीष्ट पुरन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर्ष श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर्ष श्रीमद
श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। सपार्श सपरिका शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जयुक्त हों। सपार्श सपरिका श्री गौरनित्यानंद प्रभु जयुक्त हों। उपस्थित परम पूज्य पाशी भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, हमारे श्रीपाद विजय कृष्ण प्रभु, समस्त ब्रह्मचारी वृंद, वैष्णव वैष्णवी, हरि कथा पिपासु श्रोत मंडली, सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है पीछे तक है? समझ में आ रहा है तो आप लोगों को? किस किस को आवाज नहीं आ रही है? आ रही है पीछे तक? हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, गुरु महाराज जी की विशेष कृपा से, पूजनीय वैष्णवों की विशेष कृपा से हम लोग नवदीप धाम की परिक्रमा करने के लिए शिला गुरु महाराज जी के द्वारा स्थापित इस श्री श्री केशव जी गौड़िया मठ में, जहां गुरु महाराज जी अपनी समाधि में अपने इष्ट की सेवा में निरंतर निमग्न हैं, हम लोग उस स्थान पर उपस्थित हैं। और आज जिन स्थलों पर, जिन स्थानों पर हम लोग परिक्रमा करते करते गए, उन स्थानों की कुछ कुछ महिमा को पूजनीय वैष्णवों ने श्रवण किया है। हमारे गुरु महाराज जी जब प्रकट थे तो वो संध्या के समय में, आप सब लोग जिन्होंने गुरु जी के समय में परिक्रमा की होगी उनको अवश्य स्मरण होगा कि गुरु महाराज जी संध्या के समय में इसी प्रकार विभिन्न वक्ताओं से जिन जिन स्थानों पर हम लोग गए हैं उन स्थानों की महिमा कीर्तन कराया करते थे, स्वयं बैठ करके श्रवण करते थे, और अंत में सारम सारम समुद्रतम, अंत में सार स्वरूप गुरु महाराज जी कुछ वक्तव्य देते थे। विशेष करके गुरु महाराज जी इन 5-6 दिनों में श्री चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अवदान, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का वैशिष्ट्य, श्री चैतन्य महाप्रभु जी हम जगत जीवों को क्या दे करके गए, इन सब विषयों को बहुत ही सुंदर रूप में गुरु महाराज जी वर्णन करते थे। हम लोग जब भी इन स्थानों पर जाते हैं अथवा जब भी मठ में उपस्थित होते हैं परिक्रमा के लिए, गुरु महाराज जी की वही सब स्मृतियाँ हृदय में जागृत हो जाती हैं। इसलिए गुरु महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा के विषय में जो कुछ बतलाते थे, उन्हीं की वाणी को चर्वित चरवण करते हुए गंगा जल से गंगा पूजा करने के समान हमको जो स्मरण हो रहा है उसमें से कुछ एक बातें हम लोग आपको बतलाने की चेष्टा करेंगे। देखिए, बहुत सारे भक्त लोग अपना वक्तव्य आरंभ करने से पहले मैं एक बात बतलाऊं, बहुत सारे भक्त लोग इस बात को कहते हैं, समझना इस बात को ध्यान से, वो कहते हैं कि हम परिक्रमा में गए और प्रभु जी 5 दिन तक परिक्रमा की, समझ में कुछ अधिक नहीं आया। जब हम भी पहली बार परिक्रमा में आए ना, तो ऐसी स्थिति थी, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस समय, और सुबह सुबह 3 बजे एक अलग सा कुछ शोर होता था और हड़बड़ा करके हम उठ जाते थे, ये क्या हो रहा है भाई। उसके पश्चात अभी तो तब तो देवानंद गोड़िया मठ में परिक्रमा होती थी, वहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जैसे महाराज जी कह रहे थे ना कल, गुरुजी ने अब तो इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी, बाहर कहीं नाट्य मंदिर में किसी बरामदे में सो रहे हैं, सारी रात मच्छर काट रहे हैं, हैं, और ना तो नींद हो रही है, सुबह सुबह करतालों की ध्वनि सुनाई दे रही है, ज़ोर से कोई कांसर बजा रहा 3 बजे, तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, कहाँ ले आए हमको, और सुबह सुबह बाथरूम की लाइन में लगा दिया। फिर उसके बाद एक भीड़ कहीं एक दिशा में भाग रही है और बस हमसे कह रहे भागो दौड़ो, एक महाप्रभु जी का डोला, वो भी नहीं समझ आ रहा ये क्या है, बस उनके पीछे पीछे दौड़ो। तो पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में कुछ नहीं समझ आ रहा है, किंतु संध्या के समय में गुरु महाराज जी जब बैठते थे उनकी भी बातें बहुत कुछ समझ में नहीं आती थी। तो आरंभ में सब भक्तों को ये समझना चाहिए कि प्रथम वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तृतीय वर्ष में बहुत अधिक कुछ समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ भी सकता है यदि हम वास्तव में जहाँ कथा हो रही है ना वहाँ बैठ करके थोड़ा सा मन दें, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को लगाएं और प्रयास करें समझने का कि ये साधु लोग क्या कह रहे हैं, तो समझ में आता है। ऐसा नहीं कि समझ में कुछ नहीं आता, किंतु धीरे धीरे गुरु जी ने ऐसी कृपा की कि धाम के साथ में, अपने साथ में एक ऐसा अविच्छेद समझते कभी ना टूटने वाला एक ऐसा संबंध उन्होंने जोड़ दिया कि जब नवदीप परिक्रमा आती है ना तो हृदय से प्रार्थना होती है, प्रभु यदि मेरा कोई अनर्थ अपराध है ना तो नवदीप धाम परिक्रमा के बाद में दे देना,
एक बार मेरी परिक्रमा पूरी हो जाए बस, उसके बाद जो इच्छा वो कर लेना हमारे शरीर के साथ मन के साथ, परिक्रमा हो जाए बस। तो गुरुजी ने ऐसे एक अविच्छेद्य संबंध में सबको बांध दिया। तो इसलिए सब भक्तों के निकट में हमारा ये निवेदन है, प्रयास कीजिए सुनने का समझने का, किंतु ये मत समझिए एक दो वर्ष में ही सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी प्रभु जी जैसा बतला रहे थे ना, रूप गोस्वामी जी कौन है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी कौन है, भक्ति विनोद ठाकुर जी कौन है, बहुत लोगों के लिए तो ये नाम ही पहली बार सुने होंगे, ऐसा ही तो है ना। अभी हम गाजियाबाद में गुरु जी की तिथि में गए थे, महाराज जी भी थे, तो महाराज जी की एक शिष्या है, वो यहाँ बैठी भी होंगी, वो हमारे निकट में आकर कहती है, प्रभु जी जब हमने पहले 3-4 साल कथा सुनी ना, हमारे मन में आता था जब भी कथा सुनते थे, ये सबके सब गुरु जी के बारे में ही कहते हैं, भगवान के बारे में तो कुछ कहते ही नहीं है, किंतु वो माता जी बैठी, और अब उनसे पूछिए, वो कह रही नहीं अब हमको समझ में आ रहा है गुरु जी की महिमा हमको क्यों सुननी है, अब हमको समझ में आ रहा है, यदि गुरु जी की कृपा नहीं होती हम कैसे इस धाम में आते, कैसे हमको परिक्रमा का सुयोग होता। तो प्रत्येक वस्तु को समझने जानने के लिए समय लगता है, समय देना पड़ता है, किंतु एक और अच्छी बात है हमारे लाभ की, एक और अच्छी बात है, अब लाभ की बात है ना, आप ध्यान से सुनोगे, है ना, हमारे लाभ की एक और अच्छी बात, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा, उन्होंने चैतन्य चरितामृत जब लिखी तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात, समझना बात को ध्यान से, वो कहते हैं जेबा नाही बूझे के हो, सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित, कृष्ण उपजीवे रति जानीबे रसेर रीति, सुनी ले बड़ा हो हित। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत कुछ बात हमको समझ में नहीं आ रही है, तो वो कहते जेबा नाही बूझे के हो, कथा तो सुन रहे हैं किंतु सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहते कोई बात नहीं, सुनीते सुनीते से हो, समझ में नहीं आ रहा है तो भी यदि मन देकर सुने कि अद्भुत चैतन्य चरित, चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र कैसा है, उनके भक्तों का चरित्र कैसा है, तो कहते यदि समझ में नहीं आ रहा किंतु फिर भी यदि मन देकर सुने ना तो क्या होगा, कृष्ण उपजीवे रति जानीबे रसेर रीति, सुनी ले बड़ा हो हित। अरे केवल सुनने से ही, समझ में नहीं भी आ रहा ना, सुनने से ही क्या होगा, कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न हो जाएगी, रस की रीति, रस माने जो ब्रजवासियों की कृष्ण से प्रीति है ना, कृष्ण जिनके लिए रोते हैं उस रीति को भी हम जान जाएंगे। और कहते सुनी ले बड़ा हो हित, सुनने से ही बड़ा हित हो जाएगा, समझ में नहीं भी आता ना, सुनने से ही बड़ा हित हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो इसलिए इस बात की चिंता मत कीजिए कि सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस कथा जहां हो रही है ना बैठ करके मन दे करके सुनना है। भगवान कपिल देव ने भी ना मैया देवहूति को भागवत में बहुत सारे उपदेश दिए, बहुत कुछ समझाया, किंतु अंत में उन्होंने देखा मैया तो बूढ़ी है ना, इनको तो बहुत अधिक कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उन्होंने एक ही बात कह दी, देखो मैया यदि तुमको बहुत कुछ समझ में नहीं आता तो तुम बस एक काम करना, क्या करना, कहते सताम प्रसंगान मम बीर्ज संविदो भवंति हृतकण रसायना कथा तज्जोषणा दाश आशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। कहते मैया बहुत अधिक कुछ समझ में ना आए ना, बस एक काम करना, जहां मेरे भक्त लोग मेरी कथाओं का गुणगान करें ना वहां जाकर बैठ जाना और उनके मुख से कथा सुनते रहना, बस केवल कथा सुनने का ही फल क्या होगा, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, क्रम अनुसार तुम्हारी भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, रति हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी। तो केवल सुनने का ही इतना फल है, और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की लीला, चैतन्य महाप्रभु जी से भी अधिक उनके भक्तों की लीला, भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे मद भक्त पूज्याभ्यधिका, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से अधिक श्रेष्ठ है, मेरे भक्तों की कथा मेरी कथा से अधिक श्रेष्ठ है। क्यों, भगवान के भक्त कैसे हैं, प्रणय रसनायाम घृतांग्री पद्मा सा भवती भागवत प्रधान उक्ता, भगवान के भक्त किसको कहते हैं, वास्तव में भक्त कौन है, वास्तव में भक्त किसको कहते हैं, जिन्होंने अपने प्रणय प्रणय रसनायाम घृतांग्री पद्मा, जिन्होंने अपने प्रेम रूपी रस्सी से ना भगवान को अपने हृदय में बांध दिया है, उनको वास्तव में कहते हैं भगवान का भक्त, जिन्होंने अपने प्रेम रूपी रस्सी से भगवान को हृदय में बांध दिया। तो जब हम उनकी कथा सुनते हैं ना भगवान और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, और अधिक। तो इसलिए बहुत कुछ समझ में ना भी आए, बस कथा में बैठकर मन देकर कथा सुनते रहो, इससे ही बहुत मंगल हो जाएगा। हम लोग चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा सुन रहे हैं, मैं बस थोड़े संक्षेप में महाप्रभु जी के विषय में जो हमारे गुरु महाराज जी बड़ी हृदय स्पर्शी बात कहते थे, बड़ी हृदय स्पर्शी बात, आज जब हम परिक्रमा में गए श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी के स्थान पर, तो हमको गुरु महाराज जी की बहुत कुछ स्मृतियां हृदय में जागृत हो रही थी। उसी स्मृति में से गुरु महाराज जी संध्या के समय में आकर श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी के अवदान के साथ साथ
श्री चैतन्य महाप्रभु जी की उन्होंने इतनी सुंदर महिमा का वर्णन किया, कभी कभी ना बड़े भावाविष्ट हो जाया करते थे किसी किसी स्थान पर जाकर, बड़े भावाविष्ट। और जब उस भाव में निमग्न होकर के गुरु जी कथा कहते थे ना, तब उनके मुख से ऐसा लगता था रस का वर्षण हो रहा है। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं, सुनना बात को ध्यान से, थोड़ा सा अपने मन को और अपने भावों को ना गुरु महाराज जी के साथ में जोड़ देना, तब तो देखना ऐसी अवस्था हो जाएगी कि फिर जब वापस जाएंगे ना तब मन विकल होगा, क्यों जा रहे हैं यहाँ से, क्यों जा रहे हैं यहाँ से, है ना। थोड़ा सा मन देना, गुरु जी के भावों को समझने का प्रयास करना, है ना। गुरु महाराज जी क्या बतला रहे हैं, बड़ी एक सुंदर बात बतला रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा का गुणगान करते हुए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते हैं, सौंदर्य काम कोटि सकल जन सम आह्लादने चंद्र कोटि, वात्सल्य मात्र कोटि त्रिदश विटपी नाम कोटि औदार्य सारे, गांभीर्यम बोधि कोटि मधुरी मणि सुधाशीर सुधाशीर माधवीक कोटि, गौरव देवा सा जियात प्रणय रसपदे दर्शित आश्चर्य कोटि। समझ में आया श्लोक? श्लोक समझ में नहीं आएगा, उसकी थोड़ी सी व्याख्या हम बतला देते हैं। श्लोक में एक ही शब्द को पुनः 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 श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कोटि 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 कोटि। इसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार पढ़े हैं? नहीं पढ़ने होंगे, वो भी यहीं सिखाएंगे, चिंता ना करो, सब कुछ यहीं सिखाएंगे। बड़ा सुंदर अलंकार है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा क्या, ये गुरु महाराज जी वर्णन करते थे। कहते सौंदर्य काम कोटि, अब अपने मन को ना चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में निमग्न करने का प्रयास करो, है ना, कुछ अनुभव करने का प्रयास करो। महाप्रभु जी का सौंदर्य कैसा है? कहते सौंदर्य काम कोटि, कोटि कोटि जो कामदेव है ना उनके भी गर्व को पराभूत करने वाला चैतन्य महाप्रभु जी का सौंदर्य है। उनके गर्व को, कोटि कोटि कामदेव को बड़ा गर्व है ना, वो बड़ा सुंदर है, उसको बड़ा गर्व है, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी का सौंदर्य कैसा है, वो कोटि कोटि कामदेव के सौंदर्य को भी पराभूत करने वाला है। एक कीर्तन में कहा ना, राधा महाप्रभु जी के एक परिकर एक भक्त हुए हैं, राधा शोभित दुर्मति राधा मोहन, उन्होंने कीर्तन में महाप्रभु जी के रूप का वर्णन किया। वो कहते सखे कालय गौर मुदारम, है निंदित हाटक कांति कलेवर गर्वित मारक मारम। ये चैतन्य महाप्रभु जी का सौंदर्य कैसा है, निंदित हाटक कांति कलेवर, उनके शरीर की कांति कैसी है, तपाए हुए सोने के समान उनकी कांति है, है? निंदित हाटक कांति कलेवर गर्वित मारक मारम, ऐसा सौंदर्य है चैतन्य महाप्रभु जी का कि कामदेव भी सामने आ जाए ना तो लज्जित हो जाए, महाप्रभु जी के सौंदर्य को देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाए, है? कैसी उनकी सुंदर घुंघराली अलके हैं, मधुकर रंजित मालति मंदित है जित घन कुंचित केशम, कितना सुंदर उनका सौंदर्य, ऐसे बड़ी घुंघराली उनकी अलकाएं हैं, जैसे मालती पुष्प होता है ना, मालती पुष्प बड़ा सुगंधित, वो मालती पुष्प के ऊपर में चारों ओर भंवरे मंडराते रहते हैं, ऐसे महाप्रभु जी के जो केश है ना ऐसे कुंचित माने ऐसे लटे हैं उनके, और उन पर क्या हो रहा है, भक्त रूपी भ्रमर जो है ना वो महाप्रभु जी के केशों के चारों ओर मंडरा रहे हैं, और सुंदर मुख में पान चबा रहे हैं, बड़े बड़े आयत कमल के समान उनके बड़े बड़े नेत्र हैं, सुंदर आजानुलंबित भुजो, लंबी लंबी उनकी भुजाएं, ऊंचा उनका कद है, चौड़ा वक्षस्थल है, पतली कमर है, इतना सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है, और कंधे पर सुंदर जनेऊ है, इतनी सुंदर शोभा हो रही है ना उनकी कि कामदेव एक दो नहीं कोटि कोटि कामदेव भी उनके सामने आकर लज्जा पाकर के मार्ग छोड़ देते हैं। जब महाप्रभु भ्रमण कर रहे हैं ना नवद्वीप में, इतनी सुंदर उनकी शोभा है कि कोटि कोटि कामदेव उनका दर्शन, कामदेव एक दो नहीं है कोटि कोटि कामदेव महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आते किंतु लज्जित हो जाते हैं, इतना महाप्रभु का सौंदर्य और मार्ग छोड़ देते हैं। सौंदर्य काम कोटि सकल जन सम आह्लादने चंद्र कोटि, ये उनका रूप का वर्णन है। और उनके गुण कैसे हैं महाप्रभु जी के, कैसे उनके गुण हैं? कहते सकल जन सम आह्लादने चंद्र कोटि, जब भक्तों के साथ में वार्तालाप करते हैं ना, यदि उन लीलाओं को पढ़ोगे ना नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो जाएंगे, ऐसा उनका भक्तों के साथ में वार्तालाप है, है? कैसा वार्तालाप है? चैतन्य महाप्रभु जी के निकट में उनके भक्त लोग जाते हैं, चार मास जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, है? और जब चार मास बड़ा सुंदर महाप्रभु के साथ प्रतिदिन नृत्य कीर्तन हो रहा है, प्रसाद परिवेशन हो रहा है, जब लौट करके जाते हैं ना, अब थोड़ा सा विचार करना, क्या विचार करना, ऐसी अवस्था हो जाती है महाप्रभु जी चार मास तक भक्तों के साथ में रहे, प्रवेश करना लीला के भीतर में, कुछ समझने की चेष्टा करना, कुछ भावों को जोड़ना, तब पता चलेगा ये धाम क्या है, महाप्रभु क्या है, गुरु जी क्या है, थोड़ा सा प्रयास करना समझने का,
चार मास तक भक्त लोग महाप्रभु के निकट में रहे और प्रतिदिन बड़ा सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही हैं। अब चार मास शेष हो गए, हम कितने दिन के लिए आए हैं परिक्रमा में हैं, और एक एक दिन गिन रहे हैं। श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते थे परिक्रमा तो कर रहे हैं किंतु मन कहाँ है हमारा, मन कहाँ पर है, कितनी बार घर में फोन करते हैं दिन में, चार बार पाँच बार हैं। किंतु तो वो क्या कहते थे हमारे शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते थे यू आर वेयर योर माइंड इज, हम केवल शरीर से धाम में हैं किंतु मन हमारा कहाँ है, मन हमारा किसी और स्थान पर है। किंतु चैतन्य महाप्रभु जी के भक्तों की स्थिति क्या है सुनना, एक दो दिन नहीं, सात दिन नहीं, चार मास तक महाप्रभु के निकट में रहे, और जिस दिन जाना है ना वापस उस दिन पता क्या अवस्था होती है, महाप्रभु के निकट में सब विदाई लेने के लिए आए हैं, महाप्रभु सबके गले मिल रहे हैं और रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। क्रंदन करते हुए अद्वैताचार्य जी को कहते हैं आप तो वृद्ध अवस्था में भी मेरे मुझ पर कृपा करने के लिए इतनी दूर से पैदल चलकर आ जाते हैं। ये शिवानंद सेन जी महाप्रभु के अपने भक्तों का नाम ले रहे हैं, ये शिवानंद सेन जी मेरे लिए भक्तों के लिए इतना कष्ट उठा करके हैं सारे भक्तों का पालन पोषण करते हुए आते हैं। महाप्रभु कहते हैं मैं किस प्रकार आपके ऋण से उऋण होऊंगा, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, मेरे शरीर को लेकर बेच दो। लेकिन आप चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत पढ़ो, जब भक्त लोग आते थे ना चल चल करके बिहड़ जंगल में, डाकू गुंडे लोग होते थे, नदी पार करते समय डाकू भी पकड़ लेते थे, करी करी महीना भर तो उनको लगता था, महीना भर लगता था चल 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 करके आते थे, और वो खाली हाथ से नहीं आते थे। महाप्रभु का जो प्रिय वस्तु है ना, महाप्रभु किस चीज को, जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर में जाओ अब खाली हाथ में जाते हो, मिठाई कपड़े उनका प्रिय वस्तु ले जाते हैं ना, इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कहते थे जब यहाँ से भक्त लोग जाते थे तोटा गोपीनाथ के लिए क्या ले जाते थे, उनके लिए चावल ले जाते थे, उनके लिए ठाकुर जी के लिए कपड़ा ले जाते थे। तो जिसको जो प्रेम करता है ना, नित्यानंद प्रभु सब ले जा रहे हैं, जो जिसको प्रेम करता है वो खाली हाथ में नहीं जाता है, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। इसलिए जब भक्त लोग आते थे यहाँ तक भी महाप्रभु शौच क्रिया को बाद में जो मिट्टी हाथ करते ना, मिट्टी गंगा मिट्टी को छान करके कैसे गुड़ा करके और कपड़े में छान करके वो मिट्टी तक भी महाप्रभु के लिए कहाँ से, यहाँ से बंगाल से चल चल करके महीना भर चल करके पूरी जाया करते थे, ऐसे भक्त लोग करते थे। और हम तो अनायास में इधर एक दिन में दो दिन में नहीं तो यहाँ आ गए और पाँच दिन जाकर प्रभु से, चार महीना रहते थे और पाँच छः दिन बाद में फिर प्रभु से गिन रहे। कोई कोई व्यक्ति जाएगा तो दो दिन बाद में कभी घर से फोन आया है, घर से फोन आया तो अभी अभी चले आओ, अभी अभी चले आओ, घर से फोन आ गया है, कोई कोई बोलते हैं कि जो फोन है ना जितनी गड़बड़ी का कारण है। सचमुच से पहले लोगों के पास फोन नहीं होता था, लोग जब जाते थे तीर्थ करने के लिए ना केवल भगवत चिंतन और कुछ है ही नहीं, भगवत चिंतन के बगैर कुछ नहीं। लेकिन अभी घर से निकलते फोन है ना, कहाँ हो, क्या खा रहे हो, क्या कहाँ सो रहे हो, हाँ आज क्या खाए हो, पूरा सारे बात एक दिन के बाद परिवार को पता चल रहा है। अब परिवार फोन नहीं होता था ना, इसलिए लोग का संसार कोई चिंता नहीं रहता था, केवल भगवत चिंता रहता था। लेकिन ये फोन है ना इतने काल बन गया, अभी भगवत चिंता नहीं, बेटा बेटी दुनियादारी गैया और भाई सारे दुनिया की चिंता यही बैठ गई सारी दुनिया। इसलिए क्या है गुरुदेव कह रहे थे जो धाम में आओ ना, जब धाम में आओ ऐसे बताओ कुछ ना कुछ गुरु वैष्णव के लिए देख करके आओ। ये जो बंगाली लोग आ रहे ना आप देख रहे, खाली आदमी कोई नहीं आएगा, ये लोगों को प्रिय मुड़ी मुड़ी जान तो मुड़मुड़ा, जो मुड़मुड़ा नहीं तो कोई लड्डू ये नारियल का लड्डू कोई तो मिठाई कुछ ना कुछ गुरु जी के लिए लेकर के आते और जा करके उस चीज को गुरु जी को देते थे, हैं गुरु जी को देते थे। इसलिए जो बंगाली लोग मेरे से जो परिचित है ना वो खाली आदमी कोई नहीं आए, वो कुछ ना कुछ लेकर के आए, क्यों गुरु जी को लेकर देंगे। इसलिए नियम है ये प्रीति की लक्षण है, ये प्रीति की कुछ लो और कुछ दो, इसलिए ये प्रीति का लक्षण है। हरे कृष्णा कहाँ थे, भाव टूट गया, उसको फिर लाना पड़ेगा उसको। अरे रुक जाओ, मुझको स्मरण करने दो, मुझको स्मरण
शिवानंद सेन को बोलते थे। तो चार मास तक श्रीमन महाप्रभु जी के भक्त लोग महाप्रभु जी के निकट में रहे, और जब वापस जाने का समय आया तो ऐसी अवस्था हो रही है वहाँ पर। वास्तविकता ये है, गुरु महाराज जी कहते थे कि ग्रंथ को केवल पढ़ना नहीं है, यदि उस भाव को किंचित सा स्पर्श किया ना हमारे हृदय में, हमारे हृदय ने उन भावों को किंचित सा स्पर्श किया है ना, तब वास्तव में कुछ संबंध अनुभव होगा, है ना। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने एक समय कहा, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का कीर्तन हुआ, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, नरोत्तम दास ठाकुर जी विरह में विलाप कर रहे हैं और जो गाने वाला है उसने तो गाना गा दिया, कीर्तन कर दिया, तो बाबा महाराज कहते जार फाट लो, तुमने तो गाना गा दिया, जिसका हृदय फटा उसका तो फटा, तुम तो कीर्तन करके आगे बढ़ गए। समझ में आएगा गंभीर भाव जो है, तो जब तक कुछ उस भाव में प्रवेश ना हो ना, जब तक कुछ संबंध ना हो, तब तक वास्तव जो अनुभव है ना वो होना बड़ा कठिन है, है ना। किंतु फिर भी सुनते 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 क्या होगा, कभी ना कभी अनुभव होगा। तो क्या हुआ, चार मास तक महाप्रभु के भक्त लोग रहे, एक दो दिन नहीं, चार मास तक, और जब जा रहे हैं ना उस लीला को पढ़ो, ऐसा हृदय फटता है उसको पढ़कर। महाप्रभु जी सबको विदाई दे रहे हैं, बड़ा करुण दृश्य है, रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, शब्द जो व्यवहार किया कहते अझोर नयने, अझोर नयने माने पलक नहीं झपक रही है उनकी, ऐसा जल बह रहा है जैसे गंगा जमुना बह रही हो, ऐसे क्रंदन कर रहे हैं महाप्रभु। और जो भक्त लोग जाने वाले थे ना, चार महीने रह गए, वो गए नहीं एक दो दिन नहीं, पाँच दिन दस दिन पंद्रह दिन और रह गए महाप्रभु के निकट, कोई जाता ही नहीं है, वापस जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। तो अद्वैताचार्य जी और नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु के निकट आए और आकर क्या कहते, अद्वैत अवधूत किछु कहे प्रभु पाए, सहजे तुमार गुणे जगत बिकाए। प्रभु आपके गुण ही ऐसे हैं, सहज रूप में उससे जगत बिका हुआ है, और उससे भी आप ऐसी मीठी मीठी बातें कह देते हो, कोई जाएगा आपको छोड़ करके? अरे कोई जाएगा छोड़ करके? कोई नहीं जाएगा, आपको तो इनको विदा देनी पड़ेगी। तो महाप्रभु बड़े विमन से, बड़े कष्ट से भक्तों को विदाई दे दी, और विदा देते समय बाहर नहीं आए छोड़ने, महाप्रभु गंभीरा में ही बैठे हैं, बड़े विषण मन हो करके, बड़े दुखी मन से हैं, और भक्त लोग भी बड़े दुखी मन से जा रहे हैं एक एक करके। इसको कहते संबंध, ये है वास्तव में संबंध हैं। चार मास रहे महाप्रभु के निकट, किंतु जब वापस जा रहे तो हृदय फट रहा है, हृदय वहीं पर रह गया, केवल शरीर चला गया। गुरु महाराज जी के साथ में जिन लोगों ने परिक्रमा की है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ अनुभव किया होगा। कार्तिक मास की परिक्रमा होती थी ना एक मास तक, अंतिम दिन गुरु महाराज जी कीर्तन कराया करते थे गोवर्धन में संध्या के समय में, स्मरण है किसी को, ब्रज विपिन जमुना कूले, ये कीर्तन होता था, ऐसा परिवेश हो जाता था ना, सब लोग क्रंदन करते थे, गुरु महाराज जी भी भावुक हो जाते थे और सब लोग भावुक हो जाते थे। अब यद्यपि महाप्रभु जी के भक्तों जैसी तो हमारी अवस्था नहीं होती थी, किंतु अंततः फिर भी जब उस समय को स्मरण करते हैं ना, कुछ कुछ स्मृति होती है, तो उससे अनुभव होता है महाप्रभु जी के समय में कैसी स्मृति होगी। तो इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे, सौंदर्य काम कोटि सकल जन सम आह्लादने चंद्र कोटि, भक्तों के साथ में वार्तालाप करने में ना कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान। गुरु महाराज जी की मुख की बातें स्मरण है ना, बस इतना ही कहेंगे, आई है, बस यही शब्द कहते थे, ऐसा ही कहते थे ना, आई है, स्मरण है, ऐसे ही शब्द कहते थे, आए हो, मैं तुम्हारी अपेक्षा कर रहा था, बस इतना ही कहते थे। और वृंदावन दास ठाकुर जी ने ना एक बड़ी अच्छी बात कही है चैतन्य भागवत में महाप्रभु जी के लिए, वो कहते दिवसे को जारे प्रभु करे न संभाष, बंदी प्राय होय जेनो पड़े प्रेम फास। एक बार भी महाप्रभु ने यदि किसी से संभाष वार्तालाप कर लिया ना, बंदी हो जाता था महाप्रभु के निकट और उनके प्रेम की फांस में पड़ जाता था। ऐसा ही गुरु महाराज जी का चरित्र है, यदि किसी के साथ एक बार भी उन्होंने वार्तालाप कर लिया ना, यदि केवल नेत्रपात भी कर दिया किसी पर, दृष्टिपात भी, तो क्या होता था, पड़े प्रेम फास। आज भी देखो ये मर्दू स्मृतियां चल रही है ना, एक एक भक्त लोग अपने अपने अनुभव को बता रहे हैं। तो जैसे महाप्रभु के गुण है ना, ऐसे ही सब गुण जो हैं महाप्रभु के, कृष्ण भक्त कृष्ण रे गुण सकली संचारे, ऐसे ही सब उनके गुण जो हैं वो गुरु महाराज जी के चरित्र में दिखलाई देते हैं। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद बड़े ही गदगद कंठ से महाप्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। सौंदर्य काम कोटि सकल जन समालादने चंद्र कोटि, वात्सल्य मात्र कोटि, वात्सल्य में कैसे महाप्रभु जी कोटि कोटि मैयाओं के समान। उनके एक भक्त थे जगदानंद पंडित जी, है ना, उनके साथ महाप्रभु जी की सब समय क्या होता है, दुई जनार परस्पर चले खटमटी, दोनों का बीच बीच में क्या होता, सब समय खटपट चलती रहती है। जगदानंद पंडित जी प्रतिवर्ष नवदीप भेजते थे महाप्रभु उनको, है एक वर्ष वो आए नवदीप में, बड़ा सुंदर तेल इकट्ठा किया उन्होंने कि महाप्रभु जी के सर में लगाएंगे,
और बड़ा जतन करके उस मटके को लेकर पहुंचे जगन्नाथपुरी। और महाप्रभु जी के सेवक गोविंद प्रभु जी को देकर बोले, इसको प्रभु के मस्तक पे लगाना, उनका श्रम दूर हो जाएगा। अभी गोविंद प्रभु जी ने लेकर रख लिया, किंतु महाप्रभु जी तो बड़े नियम के पक्के सन्यासी है ना, बड़े नियम के पक्के। तो जब तेल दिया, गोविंद प्रभु ने पूछा, जगदानंद जी तेल लेकर के आए हैं, आपको देना है। महाप्रभु कहते हैं, अरे इस तेल को जगन्नाथ जी को दे दो, जगन्नाथ जी की सेवा में लग जाएगा, मैं सन्यासी हूँ, तेल कैसे लगाऊँ। महाप्रभु ने डांट दिया, गोविंद प्रभु चुप हो गए। अब जगदानंद पंडित जी रोज रोज आते हैं और पूछते हैं, अरे हमारा तेल प्रभु को दिया। तो गोविंद प्रभु जी, वो जानते हैं जगदानंद पंडित जी का भी स्वभाव कैसा है, उनकी महिमा को जानते हैं। वो फिर महाप्रभु के निकट में जाकर एक दिन निवेदन किया, जगदानंद जी बार बार मुझसे पूछते हैं, मुझको कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ता, मेरा अपराध हो रहा। महाप्रभु क्रोधित हो गए, कहते एक मर्दनिया को भी लिया है, एक तेल लगाने वाले को भी लिया, और ये सुगंधित तेल मेरे मस्तक पर लगा, और जब मैं जाऊँगा ना जगन्नाथ जी का दर्शन करने, तो जब ये तेल की सुगंध लोगों के कान नाक में जाएगी, तो लोग सोचेंगे दारी सन्यासी है, ये स्त्रियों का संग करता है, ये ऐसा सन्यासी है, तो तुम चाहते हो कि मेरी लोग मेरी निंदा करें। गोविंद प्रभु चुप हो गए। अगले दिन जगदानंद पंडित जी आए, महाप्रभु जी ने उनके सामने जब वार्तालाप हुआ ना, महाप्रभु ने उनसे पूछा, अरे जगा, उनको प्रेम से कहते थे जगा, तुम क्या गौड़ देश से तेल लेकर आए हो। जगदानंद पंडित जी को तो क्रोध आ गया, कहते कौन कहता मैं तेल लेकर आया हूँ, कहाँ से तेल लेकर आया हूँ। उठाया मटका, महाप्रभु के सामने फोड़ दिया और चले गए अपने स्थान पर। तीन दिन हो गए, महाप्रभु जी से मिलने ही नहीं आए। अभी महाप्रभु का कहते ना वात्सल्य कैसा है उनका, कोटि कोटि मैया के समान वात्सल्य। महाप्रभु जी उनके स्थान पर आए और उनका द्वार खटखटाया तीन दिन के पश्चात, और उनसे कहते जगा, आज मैं तुम्हारे निकट में जाकर भिक्षा करूंगा, अभी समुद्र स्नान करने जा रहा हूँ, लौट कर प्रसाद पाऊंगा। देख दो, जगदानंद पंडित जी भी महाप्रभु की सेवा के लिए झट से मान तोड़ दिया, उठे, बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया, महाप्रभु आए, प्रसाद पवाया। महाप्रभु कहते हमारे साथ में पत्ता लगाओ, वो कहते नहीं, आप पहले पा लीजिए, हम बाद में पाएंगे। महाप्रभु को प्रसाद पवाया है, और महाप्रभु को 10 गुना अधिक परिमाण में उन्होंने महाप्रभु को प्रसाद दे दिया। महाप्रभु चुपचाप खा रहे हैं, वो जितना दे रहे हैं खाए जा रहे हैं। कहते अभी तो 3 दिन हो गए, अभी यदि कुछ बोल दूंगा, निषेध कर दूंगा ना जाने ये क्या करेंगे। चुपचाप खाए जा रहे हैं, 10 दिन हो गए, 10 गुना अधिक प्रसाद पवा दिया। जब और दे रहे हैं, महाप्रभु ने फिर निवेदन किया उनसे, नाराज नहीं हुए, निवेदन किया, भैया हमको 10 गुना अधिक खिला दिया, जितना नचाना चाहते थे नचा दिया, अब और कितना नचाओगे, अब हमको छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, अच्छा ठीक है चले जाए। तो महाप्रभु कहते नहीं, अब तुम हमारे सामने प्रसाद पाओ। तो जगदानंद पंडित कहते नहीं, आप चले जाओ, हम प्रसाद पालेंगे, आपको वचन देते। तब भी महाप्रभु अपने सेवक गोविंद प्रभु को उनके निकट छोड़कर गए। देखो ये जगह जब प्रसाद पाले ना, मुझको आकर निवेदन, मुझको आकर बतला देना, तब मैं शयन करूंगा। तो जगदानंद पंडित जी को इतना, जगदानंद पंडित जी के प्रति उनका प्रेम, किंतु जगदानंद पंडित जी ने गोविंद प्रभु को वापस भेज दिया, नहीं तुम जाओ महाप्रभु के चरण चापन करो, जब वो शयन करेंगे फिर लौट आना, फिर हम एक साथ प्रसाद पाएंगे। किंतु महाप्रभु ने शयन नहीं किया, जब लौट करके आए गोविंद प्रभु के साथ प्रसाद पाया, जब गोविंद प्रभु वापस गए तब महाप्रभु ने शयन किया। इसलिए कहते वात्सल्य में कैसे, कोटि कोटि मैया के समान उनका वात्सल्य। सनातन गोस्वामी जी हरिदास ठाकुर जी के प्रति कैसा प्रेम, और त्रिदश विटपिनाम कोटि औदार जे सारे। बस मैं यही समाप्त कर देता हूँ महाराज जी। तो ऐसा महाप्रभु जी का प्रेम है, और वो कह रहे कोट त्रिदश विटपिनाम कोटि औदार जे सारे। महाप्रभु जी जो है ना कोटि कोटि कल्प वृक्षों के समान, वो क्या है, वो हमारी इच्छाओं को, हमारी भावनाओं को जानकर पूरा करने वाले। एक कल्प वृक्ष क्या हमारी इच्छा को पूरा करेगा, महाप्रभु जी ने जैसी हमारी इच्छाओं को पूर्ण किया है। तो इसलिए महाप्रभु जी की बड़ी महिमा है। अभी हमने श्लोक का अर्ध अंश ही, उस अर्ध अंश का भी एक एक अंश कुछ कुछ हमने उसका कुछ स्पर्श किया है। बड़ी सुंदर सुंदर ये महाप्रभु जी की लीलाएं हैं, बड़ी सुंदर सुंदर हमारे गुरु महाराज जी की लीलाएं हैं। जब हम इन लीलाओं को सुनेंगे ना तो हमारा संबंध हो जाएगा, है ना, जब हमारा संबंध हो जाएगा ना तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी कि रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, देखो भैया तुम ना कभी ब्रज में मत जाना है, ये कोई अच्छी बात है, सब भक्त लोग तो कहते हैं अरे ब्रज में जाओ, किंतु रूप गोस्वामी जी कह रहे देखो तुम कभी वृंदावन मत जाना, और यदि वृंदावन चले जाओ ना तो केशी घाट पर मत जाना, और यदि केशी घाट पर चले भी जाओ तो वहाँ पर ना एक बड़ा सुंदर 16 वर्ष का बड़ा सुंदर एक श्यामल लड़का है, उसके नेत्र पता है कैसे हैं, बड़े बड़े उसके नेत्र हैं, घुंघराली उसकी लटे हैं, सुंदर सुंदर पतले उसके होठ हैं, और वो बड़ी सुंदर बंसी बजाता है। वो कहाँ पे रहता है पता है, कहाँ पे रहता है वो श्यामल रंग का एक लड़का है,
बड़ा ही सुंदर षोडश वर्ष का बड़ा सुंदर एक लड़का है, वो रहता वृंदावन में। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे यदि तुम किसी प्रकार चले भी जाओ ना तो भैया उससे ना नेत्र मत मिला लेना एक बार, यदि तुम नेत्र मिला लोगे ना उस श्यामल रंग के लड़के से तो फिर क्या होगा, संसारी ग्रही रजेगो होय सर्वनाश, फिर तो जो संसारी ग्रही लोग हैं ना उनका तो सर्वनाश हो जाएगा। तो जब संबंध जुड़ जाएगा ना, किंतु संबंध जुड़ेगा कैसे, ऐसी मधुर मधुर लीला सुनेंगे ना महाप्रभु जी की, कृष्ण की, गुरु महाराज जी की, तब संबंध जुड़ेगा। इसलिए परिक्रमा करके इधर उधर घूमना नहीं है ना, जहाँ पर कथा हो रही है झट वहाँ पर पहुँच जाना। बिना कथा सुनोगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं फिजिकल लेबर इज नॉट द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आवर परिक्रमा, केवल शारीरिक श्रम करना हमारी परिक्रमा का उद्देश्य नहीं है, कथा सुनना, कथा सुनना। गुरु महाराज जी इसी बात को कहते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे, गिरिराज जी आपसे बात करेंगे, लोग कृष्ण का दर्शन करने जाते बिगड़ेगा, वहाँ घंटों खड़े रहेंगे, बत्ती देंगे, धूप देंगे, दीप देंगे, अच्छी बात है देना चाहिए। किंतु गुरु महाराज जी कहते थे बिगड़े तुम्हारे साथ में बात करते हैं, बिगड़े को प्रणाम करो, स्तव स्तुति करो और आ जाओ कहाँ पर, साधु के निकट में, साधु तुमसे बात करेंगे, साधु बिगड़े का महात्म्य बतलाएंगे। इसलिए कथा, एक दिन भी कथा हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसी हम लोग गुरु महाराज जी की स्मृतियों से जागृत सुंदर सुंदर महाप्रभु जी की कथा हम लोग सुनाएंगे, हमारा भी मंगल है, आप लोगों का भी मंगल है। अभी हमारे महाराज जी आगे की कथा को महाराज जी सुनाएंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अभी हम हरे कृष्ण, अभी हम कथा नहीं सुनाएंगे। हाँ, आप लोग से एक प्रश्न कर रहा हूँ, कल हम सोच रहे हैं अंबिका कलना और शांतिपुर जाने के लिए, कौन कौन पहले गए हो? गए ना, कुछ कुछ गए। जो अंबिका कलना है वो ऐसे ठाकुर जी है श्रीमन, उनको दर्शन करना और महाप्रभु का दर्शन करना बराबर है। जो महाप्रभु गौरीदास पंडित के घर में रहते थे वो सुबल सखा कृष्ण लीला में, लेकिन महाप्रभु को किसी तरह से वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, किसी तरह से हैं, बोलते थे मेरे को तो जाना पड़ेगा, प्रचार काम बहुत कुछ काम है, इसलिए बोले प्रभु आप कल ही चले जाना, लेकिन रोज़ रोज़ बढ़िया बढ़िया प्रसाद खिलाते थे। बोले जब फिर कल होता था ना, बोले नहीं प्रभु आज नहीं कल, आज नहीं कल, इसलिए उनका नाम पड़ गया कालना। कालना मतलब जब कल आए, बोले प्रभु ना आज नहीं कल चले जाना, इसलिए बोले मेरे लिए ठीक है, अगर मेरे को छोड़ोगे नहीं मेरे जैसे विग्रह बनाओ। तब नीम की लकड़ी में महाप्रभु का विग्रह बनाया, नित्यानंद प्रभु का। बोले बताओ किसको लेना चाहते हो? बोले विग्रह को ना, मेरे को। बोले विग्रह से क्या मतलब है, आप घर में रहो। जब वो रहने लगे जो विग्रह था ना ठाकुर जी, वो चलना शुरू कर दिया, वो विग्रह स्वयं चलना शुरू कर दिया, फिर भागते भागते गए और वो स्वयं विग्रह। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे को तो तुमने रख लिया। बोले उनसे क्या मतलब, आप रहो। जब इनको रोक लिया ना, फिर ये बन गए थे विग्रह, फिर ये चलना शुरू कर दिया, फिर भागते। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले तुमने तो मेरे को रख लिया। लास्ट में उनके मंदिर में ठाकुर ही रह गए, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु विग्रह बनकर रह गए। लेकिन जो और जो विग्रह रह गए ठाकुर जी, और जो विग्रह बनाया था वो विग्रह स्वयं चलते 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 वहाँ से चले गए। इसलिए गुरुदेव कहते थे हम तो महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु को देखे ही नहीं, कभी ये ठाकुर को जो दर्शन करता है साक्षात महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का साक्षात दर्शन होता है, वो ऐसे ठाकुर जी है। इसलिए वो एक स्थान है, और जहाँ पर अद्वैत आचार्य जहाँ पर रहते थे जिन्होंने महाप्रभु को जगत में लाए, वो दो स्थान है। कल हम दर्शन करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन मैं प्रभु जी से अभी डिस्कशन कर रहा था, ये बहुत धूप है, गर्मी है, क्योंकि कल परिक्रमा तो बहुत छोटी है, एक जगह पर जाएंगे, दो जगह पर जाएंगे, करके ना 10 बजे वहाँ 9 बजे से चल पड़े। हाँ, अगर हम लोग जैसे वहाँ पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी कथा होगी, उसको बाद में निर्दया घाट है जहाँ पर महाप्रभु पार निर्दया बन करके गंगा पार करते हुए काटुआ गए थे, ये दो स्थान दर्शन हैं। और आपको हम कल था धूप, कल फिर एकादशी है, आप लोग जाना चाहते हो? आप कौन जाना चाहते हो? हाँ, कुछ कुछ लोग जाना नहीं चाहते और कुछ कुछ लोग जाना चाहते, इसलिए नहीं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग से कल 250 रुपया करके लिया, 50 रुपया प्रसाद के लिए, 200 रुपया किराए के लिए। अभी हम देखते हैं प्रसाद यहाँ इतना जल्दी बना पाएंगे कि नहीं, हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। इतना जल्दी हम लोग 9:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अगर प्रसाद नहीं बन पाएगा तो फिर हम वहाँ उधर से वापस आ करके फिर यहाँ पर
मुझे लगता है वापस आते आते एक दो तक बज सकती है। नहीं 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 चार नहीं बजे, नहीं 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 बजे कल नहीं। प्रभु जी इतना समय नहीं लगेगा, अगर जल्दी जल्दी करेंगे ना जल्दी जल्दी हम आ सकते हैं। अगर जल्दी जल्दी करेंगे, अगर वहाँ से यदि अगर हम लोग जैसे निर्दया घाट जाएंगे, अगर आचमन करते हुए अगर हम आ जाए गाड़ी में बैठ जाए, हम कहता हूँ एक बजे हम आ सकते हैं, एक बजे हम आ जाएंगे यहाँ पर और एक बजे यहीं आकर प्रसाद पाएंगे। लेकिन तब भी हम कोशिश कर रहे हैं अगर यहाँ बना देंगे प्रसाद तो जैसे साथ में प्रसाद ले जाए और वहीं पर हम प्रसाद वहीं पर हम पा ले, फिर पा करके थोड़ी बहुत पा करके हम लोग इधर फिर आ जाए, फिर आ जाएंगे यहाँ भी प्रसाद पा सकते हो। इसलिए हम इसी विषय पर अभी सोच रहे हैं क्या करनी चाहिए। फिर हम सोच रहे थे जैसे लास्ट दिन हम लोग जाते हैं एक चक्रा भी जाते हैं, परिक्रमा का लास्ट का दिन एक चक्रा भी हम लोग जाते हैं, और इस बार हम क्या करें नहीं करें हम सोच रहे हैं, क्योंकि इस साल थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी पड़ा हुआ है। ठाकुर का तो बड़ी कृपा थी, आज सवेरे ठंडा ठंडा था लेकिन बाद में तो धूप हो गई, लेकिन अभी क्या होगा हमको पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। अब लोग भी क्या एक चक्रा जाना चाहते हो नित्यानंद प्रभु स्थान में? चाहते हो? कष्ट करके जाओगे? इसलिए अभी हम सोच रहे हैं अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी हम क्या करेंगे, कल के लिए क्या करेंगे, है ना प्रभु जी। गाड़ी वाला को तो मैंने बोल दिया, गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी गाड़ी वाले, लेकिन अभी प्रसाद के लिए हमें, क्योंकि मैं हम सोच रहा था जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए, आप लोगों का कष्ट नहीं हो, लेकिन प्रभु जी ने कहा साल में हम एक बार आते हैं, बारंबार तो आते ही नहीं, साल में एक बार आते हैं, वहाँ जाने से उनके आशीर्वाद कृपा मिलता है, इसलिए जानी चाहिए। प्रभु जी बड़े उत्साह दे रहे हैं, लेकिन अभी मैं भी सोच रहा था जी आप लोगों का कष्ट नहीं हो आप लोगों को, इसलिए हम सोच रहे हैं अभी क्या करें नहीं करें, अभी ये चीज़ को अभी अभी हमें पूरा ये करना पड़ेगा, हाँ ये करना पड़ेगा, हाँ प्लानिंग करना पड़ेगा। कैसे कैसे करके कोरोना से बच के आ गए हैं, दर्शन कर जाओ भैया, आगे का नहीं पता है क्या होना क्या नहीं होना नहीं, वर्ष में एक बार हम लोग आते हैं, जागतिक वस्तुओं के लिए भी तो इतना कष्ट करते हैं ना, गर्मी में कोई एक पेपर चाहिए हो ना, छोटे बच्चों का एडमिशन कराने के लिए कितने घंटे घंटे लगे रहते हैं ना लाइन में, लगते हैं कि नहीं लगते है ना। अरे प्रभु जी ये तो ठीक है करना पड़ता है कोई बात नहीं, पर यहाँ थोड़ा तो एडजस्टमेंट हो सकती है। अरे बोलोगे तो व्यवस्था की जाएगी, आप लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है, यदि आप लोग इच्छा करोगे तो व्यवस्था की जाएगी। वर्ष में एक बार कितनी महिमा उस स्थान की, अद्वैताचार्य जी का स्थान है, अंबिका कालना है, थोड़ा तो कष्ट हम लोग कर सकते कि नहीं कर सकते? जोर से बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते? जोर से बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चलो हो गया कार्यक्रम डिसाइड, गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण। हम कोशिश कर रहे हैं अगर जैसे प्रभु अभी जाकर के बात करेंगे, प्रसाद जैसे बन जाए साधारण रूप में कुछ प्रसाद बन जाए, और दूसरी बात कल कुछ भक्तों ने नाम दिया है, वो किसको नाम दिया था? अनिरुद्ध है यहाँ पर? अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध है, कहाँ गया? हाँ करके कल कल कितना कितना भक्त हुए थे? कल 80 हो गए थे। हाँ अगर और भी कोई जाना चाहते हो, क्योंकि हमें नाम पता चल जाए इतने भक्त लोग जाएंगे, फिर उसी हिसाब से हम बस को उसी हिसाब से करेंगे, इसलिए तुम ये ले लेना ठीक है। तुम अगर कोई अगर कोई लोग बोलते हैं हम जाने, फिर हम पता चले जाए इधर उसी हिसाब से बस करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारी पास में नाम दे दे ठीक है, खड़े हो जाओ, तुम्हें दर्शन दे दो। हाँ जो कल नहीं दिया था, जो नाम नहीं लिखा था, अब इनको 250 रुपया और अपना नाम लिखवा देना इनको, ये प्रभु खड़े हो जाओ तो इसको, और हमारे और कौन तुम भी उनके साथ में मिल जाना ठीक है, दोनों मिल करके अगर कोई जाना चाहते हो दोनों का नाम लिखवा दो, 250 रुपया जमा दे दो, फिर हम पता चल जाएगा उसी हिसाब से हम फिर बस को कर लेंगे ठीक है। बोले हाँ, और सुना अगर हम आप चाहते हो हम जल्दी से वापस आए, आपको भी एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? जैसे कल हम लोग जब निर्दया घाट में जाएंगे वहाँ पर आचमन ले करके ना,
फिर जा करके हम कोशिश करेंगे बस को वहीं खड़े कर दे, जहाँ पर आचमन लोगे वहीं पर बस को खड़े कर दे पास में। फिर आप सीधा बस में बैठो और सीधा वहीं से चल देंगे, क्योंकि वहाँ से फिर यहाँ आ करके फिर बस में बैठेंगे फिर ज़्यादा समय लग जाएगा। कोशिश करेंगे जैसे 1 बज तक जैसे हम यहाँ पर आ जाए किसी तरह से, फिर आ करके यहीं प्रसाद पाए हम कोशिश करेंगे वहाँ पर। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। सब ताली बजाते हैं, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार खड़े हो जाओ, सभी से उधर खड़े हो जाओ, सर नाच लो, पैर दर्द होगी। हरि की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद गोविंद गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, वृंदावन में राधे सेवा कुंज में राधे लगान गली में राधे अमान गली कुंज गलिनी में राधे 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 राधे, प्रेम से बोला सम्मिल बोला जोर से बोला आवाज नाई राधे राधे।
राधे 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताई गौर प्रेमानंदे श्री सचिनंदन गौर हरि की कल का समय कल इस टाइम हाँ हरे कृष्णा। अगर हम लोग उधर से टाइम से आ जाते हैं फिर यहीं पर हम लोग कोशिश करेंगे हाँ ठीक है 4:30-5 में फिर यहीं पर कथा हम लोग करेंगे ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा कल भी हम लोग यही कथा करेंगे आप सभी लोग समय से उपस्थित हो जाएं और अपने साथ दो चारों को और ले आए टाइम 5 बजे सभी।